अयोध्यामा गएर पुत्र यज्ञ लगाएर रामचन्द्र जन्मेको इतिहास त्यसो भएर हामी मात्रै भारततिरको तीर्थ मात्रै किन गर्ने, भारतका मान्छे पनि यता आउनु पर्यो भनेर हामीले प्रचारका लागि अहिले गुरुहरू सबै भारतका लिएर आएको छौँ हामीले। कमसे कम यो राम जन्मनुभन्दा अघि तपस्या चाहिँ गरेका यहाँका ऋषि गएर पुत्र यज्ञ लगाएर दशरथलाई बल्ल सन्तान भएको भएर त्यसको ठाउँ पनि धार्मिक ठाउँ हो, यहाँ आउनु पर्यो भारतबाट पनि यहाँ आउनु पर्छ भनेर विशेष गरेर अहिले हामीले आयोजना गरेको त्यसका लागि। हजुरको पुरा भयो हामीले कृषि गरेका तरकारी मल्ल बजार आइरहेछन्, मान्छेले खाना बस्नु बस्नु भन्ने कता कहाँ हुन्छ, त्यस लक्ष्यको लागि हामीले गरेको यस्तो केही होइन, अपमान गर्ने नेपाली है चाहिँ होइन, यहाँ पनि बिक्री हुन्छ उहाँको सम्मान पाक्छ, उनले नेपाली बुझ्दैन बुझ्दैन, हामीले आस्था चाहिँ हमारे यहाँ परखना बोलते हैं, परखना यानी वेट करो इंतजार करो, हाँ सब वही है, थोड़ा घुमा के बोलते हैं बस, हमारे यहाँ परखना पर्छ परख हमें खाली बीच का कलश का पूजन करना है, ठीक, जहाँ हम पूजन करेंगे जिस कलश में वही वही पे आप लोगों को करना है। भक्त बलिम समर्पयामि, हाथ जोड़िए, हो इंद्र स्वामी सम्राज्य बलिम बच्चो अतत्यानाम सर्वेषां गृहाणां क्षेत्र निवासीनां व्याप निवासीनां भटकुटुंब शेष परिवार आय कर्ता क्षेम कर्ता शांति कर्ता पुष्टि कर्ता तुष्टि कर्ता निर्भित करता कल्याण करता संतुष्टा वरदा भवतो हरिते जलमादाय अनेन पूजन पूर्व वरदानेन इंद्रा देव करता इटा देवता देव पुजारा देव करता सर्वभारी नमः वयामि नमः करोमि पश्चिम द्वारे आगत देवताभ्यो नमः त्रिपदाकाभ्यां नमः सप्तच्छत्रवाये एतानि काव्यार्घास्मृष्णानि योगपुराविन्यादलं समर्पयामि सर्वोपचाराते गद्दा सर्वपाल समर्पयामि नमः करोमि बलिदान दीजिए।
ईशानाय सांगाय अर्जुनाय शैलाय वाहनाय इमां सद्धी पद्धतिमाज भक्तपदीं समर्पयामि। यज्ञ भूमि का पूजन यहाँ पे करना है सब लोग। छोड़ दीजिए सब लोग यज्ञ भूमि को प्रणाम करके और वो चाय नाश्ता फलहार रोक दिलो इधर क्या हो कई बार माला खबर हो मेरा नंबर है खबर नंबर है वहाँ सारे नंबर ये समस्या है मुझे क्यों रुकिए ना हमारे दिल्ली था दिल्ली आता फिर जिंदा कम है हाँ यो तो था नमस्कार है सब मनोकामना पूर्ण हो आज यहाँ कति चाहिँ धर्म आउँछ मेरो नाम सुरेश शर्मा यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मध्ये मध्ये पत्र पत्रम समर्पयामि एतवृक्षानाथम वृक्षानाथ जलां समर्पयामि। हम नए पूर्ण करें इस भाव से।
भगवान श्री सीताराम जी से एवं श्री लख नारायण भगवान से प्रार्थना करें। ओम नीलांबुजस्यामलकोमलांग सीता अग्नि पूजन होगा, अग्नि भगवान का पूजन होगा, आप लोग इधर मुख कर लीजिए। कहाँ चला गया? तो पहले बताना चाहिए, अब तक बना के दे देते, अभी देते हैं। ब्रह्मा मुरारे भानु सजीवो मृषुतो
कलश अधिष्ठात्र देवताये नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि समर्चनाम् देवस्य त्वाय पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, उससे उसको आप ग्रहण करें और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कुल खानदान के ऊपर इसी प्रकार से निरंतर कृपा बनाए रखें। इस भाव से दिव्य भगवती से प्रार्थना करेंगे। ओम वेदो दाम समा प्रभा प्रगपते एतानि पाद्यानि डिसिप्लिन ऑन डिसिप्लिन श्री राम महायज्ञ श्री राम कथा महामहोत्सव एवं विराट संत भक्त दर्शन मेलामा पालनाउने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईहरूलाई थाहा होला, कतिपयलाई थाहा पनि नहोला, हामीले हिजो आएका भक्तजनहरूलाई भनेका थियौँ कि आज कथामा श्री रामको जन्म हुने दिन हो। आज हाम्रो महायज्ञमा श्री रामको रामचन्द्र भगवानको जन्म हुने दिन हो, त्यसै गरी आज शङ्कर भगवानको बिहेको दिन पनि हो। त्यसो हुनाले यो अवसरमा हामीले धेरै रमाइलो गर्नुपर्छ, फुलहरू फ्याँक्नुपर्छ, उत्सव मनाउनुपर्छ, मिठाई बाँड्नुपर्छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू सबै छरछिमेकमा हुने आमा बुवा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले भक्तजनहरूले भोलि आउने भक्तहरूलाई भक्तजनहरूलाई यो खबर पनि पुर्याइदिनु होला भनेर उद्घोष गरेका थियौँ। तदनुरूप हामी हाम्रो आजको औपचारिक कार्यक्रम केही समय पछि सुरु गर्न जाँदैछौँ र हामीलाई यो पनि बाध्यता छ कि भित्र यज्ञशालाको पूजा
नसिद्धिएसम्म हामी औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्न सक्दैनौँ र हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई अत्यन्त छोटो बनाएर आजको मुख्य विषय अथवा यो समग्र यो महायज्ञको मुख्य विषय श्रीराम कथा र श्रीरामको भजन कीर्तन गर्ने र खास गरी के भने यो रामको महिमा के हो, राम र रेसुङ्गाको के सम्बन्ध छ। रेसुङ्गामा हामीले अहिले यो महायज्ञ लगाउनुको तात्पर्य के हो, किन लगाइरहेका छौँ, आकर्षक बनाउन पर्यो भन्ने भोजपत्र, धन्यवाद, भोजपत्र। त्यसै गरी थुप्रै थुप्रै करिब 100 भन्दा बढी होमन गर्ने सामग्रीहरू दैनिक होम भइरहेका छन् र हाम्रा कर्ताहरूले भन्ने अनुसार यस्तो खालको पूजा अथवा यस्तो खालको होमन अथवा यस्तो खालको पूजा न जीवनमा देखिएको थियो, न भोगिएको थियो, न भोगिनेछ, न जानिनेछ, न गर्न पाइनेछ, त्यस्तो भन्ने हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले यो रेसुङ्गामा गुमिरहेको ऊर्जालाई फेरि पुनस्थापित गर्नको निमित्त त्यसलाई पुनर्जीवीकरण गर्नको निमित्त हामीले यस्तो खालको पूजा गरेका हौँ, यस्तो खालको आयोजना गरेका हौँ। हामीलाई विश्वास छ यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको तन मन वचन कर्म र सुख समृद्धि यस ऐश्वर्य र शान्तिको निमित्त पनि एउटा बाटो खोलिदिनुहुनेछ। यही कारणले गर्दा हामीले यो महायज्ञ लगाएका हौँ र यसरी बाहिरबाट सन्त भक्त महत पीठाधीशहरू स्वामीहरूलाई यहाँ बोलाएर उहाँलाई यहाँ आगमन उहाँलाई यहाँ आमन्त्रित गरेर यो भएको वर्तमान कार्य समितिले 18 गतिदेखि नै चैत्र 18 गतिदेखि नै आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाएको भए तापनि समग्रमा यसको जुन खालको तयारी गर्नु पर्थ्यो, जुन खालको अग्रिम तयारी हुनु पर्थ्यो, त्यो तयारीको निमित्त समय पुगेन। जिल्ला बाहिरको त कुरै छोडौँ, जिल्लाभित्रका पनि सबै ठाउँमा हामी पुग्न सकेनौँ। केवल एफएमको माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट तपाईँले हर क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिनु होला भन्ने हाम्रो यो आभारलाई अगाडि सार्यौँ र समग्र सबै ठाउँमा हामी पुग्न सकेनौँ। त्यसको लागि पनि फेरि हामी रेसुङ्गा संरक्षण समिति, श्रीराम महायज्ञ, श्रीराम कथा महामहोत्सव एवं विराट सन्त भक्त दर्शन मेला मूल आयोजन समितिको तर्फबाट हामीले यहाँहरूप्रति, समस्त भक्तजनप्रति र पूर्ण थुप्रै थुप्रै हाम्रा भक्तजनहरू यहाँ उपस्थित भएर हामीलाई खुब हौसला प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी आज पनि यो माघेमा मात्र उपस्थिति भयो। जय श्री राम, जय श्री राम। असन्तोषी जातको मान्छे खोजेको हर चिज प्राप्त गर्दा पनि सन्तोष लिन जान्दैन मान्छे, लोभ र मोहमा परि दुःख र चिन्ताको सागरमा डुबेको छ मान्छे। आदरणीय भक्तजनहरू, हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सुरु नहुँदासम्म हामीले यहाँलाई सांस्कृतिक वातावरण सृजना गरेर नाच्ने नचाउने र मनोरञ्जन गर्ने तर्फ अग्रसर गराइरहेका छौँ। यहाँहरू यो भक्ति सङ्गीत परमाएर भरपूर आनन्द लिनुहोस्। जति भन्नु थोरै भाषा जाँदाकै बोलान्छे, जति भन्नु थोरै भाषा जाँदाकै बोलान्छे, मर्नु पर्छ भन्ने बिर्सी पापै गर्छ मान्छे, दिन कहिल्यै जान्नी होइन पापी कैछ हात, दिन कहिल्यै जान्ने होइन पापी कैछ हात,
पुग्यो कहिले भन्ने हैन असन्तोषी गाथा ओ दूर भुवस्वः भर्गो देव धीमहि धियो यो न प्रचोदया जीवन सुन्ने हो जीवन सुन्ने हो लाने आखिर सबले पापा बुन्ने हो जीवन सुन्ने हो जीवन सुन्ने हो लाने आखिर सबले पापा बुन्ने हो मेरी पत्नी भई मस्त मात्रै साथी हो जादा हुन्न भई मेरो
व्यास जी महाराज मंचासीन होने जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु भक्त श्री दिव्य पावन महोत्सव श्री राम महायज्ञ श्री मद राम चरित मानस की कथा एवं विशाल संत भक्त दर्शन मेला भारत की पावन भूमि से नेपाल की पावन भूमि से श्रृंग भगवान की तपोभूमि पर आप और हम सभी को यहाँ पर गरेर हामीले सानो आधा घंटा को कार्यक्रम संचालन गर्ने बेहोरेहरुलाई जानकारी गराउँदै संपूर्ण महानुभावहरुलाई भोजन नगर्नु भएको छ भने भोजन प्रसाद लिएर ग्रहण गर्नु होला र शान्तपूर्वक बस दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो माइक्रोफोन म स्वामी महाराजलाई पक्राउँदछु। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले अब औपचारिक कार्यक्रम नै अगाडि बढाउने छौँ र आज श्रीराम रिसुङ्गा नगरपालिका रिसुङ्गा संरक्षण समिति गुल्मीका अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र भूषालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आज को यस विशेष भव्य महासम्मेलनको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री सरोज थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ब्रह्मचारी तदर्थानन्द महाराजज्यू प्रति प्रणाम प्रकट गर्दै सम्मान प्रकट गर्दछु र उहाँ अहिले समाधि ध्यानमा हुनुहुन्छ। ध्यान समाप्त भइसकेपछि उहाँ आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ। म उहाँलाई सम्मान प्रकट गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कथा प्रवक्ता व्यासाचार्य स्वामी शम्भुनाथजी व्यासासम्म आइसक्नु भएको छ। स्वामी शम्भुनाथजी महाराजज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कथा प्रवक्ता व्यासाचार्य स्वामी शम्भुनाथजी महाराजजीको व्यासासनमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इसी तरह यज्ञ के नेतृत्वकर्ता स्वामी राजेंद्र नंद जी महाराज जी को भी आसन में आके मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक निवेदन करता हूँ। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न स्थान से पधारे हुए स्वामी महाराज संत संत जीवरु साधु संत लोगों को उधर साधु संत के लिए तैयार हो रहा है स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाहिर यत्र तत्र छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई भित्र स्टेजमा आई शान्तपूर्वक बसिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। शान्तपूर्वक गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गर्न बाँकी रहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पालो पालो एक गेला असर नपर्ने गरी अगाडि गएर भोजन ग्रहण गर्नको लागि
अनुरोध गर्दछु र कसैले स्वास्थ्यमा समस्या आइपर्यो भने हाम्रो प्राथमिक उपचार केन्द्र छ अगाडि त्यहाँ गएर प्राथमिक उपचारको सेवा लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई पूजा गर्ने इच्छा छ त्यस्तो चाहना गर्नुभएको छ भने लक्ष्यवर्ती व्रतबन्ध विवाह रुद्राभिषेक शनि मृत्युञ्जय पाठ सप्तशती चण्डी पाठ लघु रुद्री घीर्तधारा तीर्थ श्राद्ध र व्रत पूजा जस्ता पूजाहरूको लागि पनि हामीले यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। सचिवालयमा सम्पर्क गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यहाँ धेरै मन्दिरहरू छन् मठ मन्दिरहरू छन् यो हामी अहिले एकेशाला परिसरमा उपस्थित भएका छौँ। अगाडिपट्टि राधाकृष्णको मन्दिर छ त्यसै गरी यहाँभन्दा थोरै माथि सिद्ध मन्दिर छ विष्णु पादुका अलि तलपट्टि गरुड स्थान छ त्यसै गरी महापोखरी पशुपति शिवालय सानो रेसुङ्गा ऋषिशृङ्गको मन्दिर छ गौशाला छ अनि साउने शिवालय छ तल सीतारामको मन्दिर छ यस्तै विभिन्न मन्दिरहरू छन् विभिन्न देवालयहरू छन् यी सबै ठाउँहरूमा समय मिलेसम्म पुगेर दर्शन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै अब उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित भक्तजनहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनको लागि यसै रेसुङ्गा संरक्षण समितिका सदस्य आदरणीय श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हार्दिक अभिवादन तपाईँ आउँछौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण भक्तजनहरू आज यो रेसुङ्गाको तपोभूमिमा सम्पन्न हुन गइरहेको यो यज्ञमा भाग लिन जो जति आउनुभएको छ सम्पूर्णमा रेसुङ्गा संसद समितिको तर्फबाट हामी हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर वास्तवमा हामी आज म यो स्वागत भाषण त्यति लामो त गर्न हुँदैन तर पनि मैले छोटोमा संक्षिप्तमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। र यो रेसुङ्गा संरक्षण समितिले धेरै पहिलेदेखि नै हामीहरूले यो अयोध्या र चाहिँ रेसुङ्गाको सम्बन्ध जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यसका लागि हामी बारम्बार धेरै सल्लाह धेरै भक्तजनहरूसँग सल्लाह पनि गऱ्यौँ तर त्यसको आज एउटा टुङ्गोमा पुग्ने लक्ष्यका साथ हामीहरूले कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। तर पनि मलाई कता कता आज हामी अझ पूर्ण रूपमा जुन लक्ष्यका साथ हामीहरूले यो आयोजना गरेका हौँ त्यसमा अझै यति मात्र यज्ञले हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ कि जस्तो लागेको छ। त्यसको कारण किनभने आज जति पनि हामीले यहाँ धार्मिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ अयोध्यासँग जोड्ने भनेर यसको हामीहरूले भारतीय यो सञ्चार माध्यमसँग पनि जोड्न सकेको भए सायद भारतमा रहेका तमाम हिन्दूहरूले पनि यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुने थियो। तर आज हामी त्यस रूपमा अलिकति हामीले म एउटा आयोजकको तर्फबाट यो हामीले मैले कमी स्वीकार गर्छु वास्तवमा हामीहरूले यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्न सकिरहेका छैनौँ र आगामी दिनमा यता हामीले अझ सशक्त रूपमा यसलाई विविध रूपमा आयोजना गरेर र धेरैभन्दा धेरै एकदम धार्मिक भारतका धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ उतार्नेछौँ र यो हाम्रो उद्देश्य पुरा हुनेछ। यसमा यहाँ सबैको साथ रहनेछ। यो यज्ञ सञ्चालन गर्दाखेरि विभिन्न कमी कमजोरीहरू गएका होलान् हामीहरू समूह अतिथि महानुभावका सेवा गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ त्यसमा क्षमा दिनुहोला। अलिकति यो भूगोलको कारणले यातायातको असुविधाको कारणले धेरै सामग्री ल्याउन पनि कठिन छ तर पनि यहाँहरूबाट जति सद्भाव सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसको लागि हामी मुरीमुरी धन्यवाद पक्र्याउँछौँ र आगामी दिनमा अझै हामीले यसलाई सशक्त रूपमा लैजाने र रेसुङ्गा वास्तवमा यो पवित्र ठाउँ आज हामी इन्डियाका विभिन्न आफ्नो पितृहरूलाई तार्न भन्दा इन्डियाका विभिन्न तीर्थस्थलमा जान्छौँ तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल यहाँ छन्। वास्तवमा एउटा संसारमा कहीँ पनि नपाइने एउटा शालिग्रामको उत्पत्ति हुने क्षेत्रका हामी मान्छेहरू हौँ। हामी त्यसै पनि एकदम पवित्र सम्पूर्ण जनताहरू जो यो कालीगण्डकी उत्तर दायाँ बायाँ जन्मेका सम्पूर्णहरू हामी त्यसै पनि पवित्र छौँ। त्यस्तो पवित्र ठाउँका मान्छेहरूले एउटा शुद्ध आत्माले गरेको कामले अवश्य नै फल पाउनेछ र म लामो कुराकानी केही नगरिकन अन्तमा हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि दरबार गाउँपालिका अध्यक्षज्यू हाम्रा पूजनीय धार्मिक व्यक्तित्वहरू जो इन्डियाबाट आउनुभएको छ उहाँहरूलाई एकदम मैले सम्मानपूर्वक आदर गर्दै उहाँहरूलाई पनि आतिथ्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र सम्पूर्ण भक्तजनहरू जो एउटा श्रद्धापूर्वक रेसुङ्गामा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्दै यसै बढी महत्त्वका साथ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरूको उपस्थितिले यस पुण्य भूमिको महत्त्व अझ बढ्ने छ बढेको छ भन्ने कुरा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु र आज यहाँ श्रद्धालु भक्तजनज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ खास गरेर भाषण सुन्न र अन्य कुराहरू गर्नुभन्दा पनि यसको महत्त्व यहाँ गर्न चाहिँ मात्रै मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो जुन रेसुङ्गा जुन धाम छ यसको महत्त्व हाम्रो कृष्ण भण्डारी सरले पनि भनिसक्नुभयो हामी भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छौँ काशी गयादेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छौँ र हामी धर्म कर्मका लागि जान्छौँ तर हामीले यही ठाउँको महत्त्व बुझिरहेका छैनौँ यो महत्त्व बुझाउनका लागि हामीले विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यमहरू विभिन्न किसिमका पत्र पत्रिकाहरू र विभिन्न किसिमका मिडियाहरू मार्फत यस स्थानको महत्त्वको बारेमा सारा संसारलाई चिनाउन जरुरी छ यसका लागि संरक्षण समिति अगाडि बढोस् यसमा गुल्मी दरबार गाउँपालिका यहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि सधैँ तयार रहनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूको सामु कतिवटा व्यक्त गर्न चाहन्छु र मानिसलाई आखिरी धेरै कुराहरू यहाँ भइसके होला आज पाँच छ दिनमा पनि धेरै कुराहरू भइसके र आखिरी धर्म किन गरिन्छ आखिरी के छ एक दिन मरेर जाने हो त्यस कारणले धर्ममा अलिकति आस्था राख्ने धार्मिक कार्यक्रमहरू गर्ने प्रवचन कार्यक्रम गर्ने यस्ता किसिमका धार्मिक महत्त्वका जुन क्षेत्रहरू छन् यसलाई कम्तीमा पनि आफ्नो आम्दानीको 10% प्रचारका कारणले हामी बनारस जान्छौँ बढी प्रचारका कारणले गया श्राद्ध गर्न जान्छौँ तर मान्नुहोस् यदि हामीले गया श्राद्ध जानु अन्यत्र जानुभन्दा रेसुङ्गामा आएर आफ्ना पितृहरूलाई तर्पण दिने हो भने श्रावण महिनामा त्यो शिव हाम्रो त्यो चाहिँ जुन कुण्ड छ तलबाट बराबर भगवान्को अवस्थामा बनिएको कुण्ड छ त्यसबाट लिएर आएर श्रृङ्ग ऋषिको यो तपोभूमि रेसुङ्गाको सिद्ध बाबाको मन्दिरमा लिएर आएर जल अर्पण गर्छ भने त्यस्ता पितृहरू अधोगतिमा रहेछन् भने पनि तिनीहरूको स्वर्ग जाने बाटो हुन्छ उनीहरूको उत्तम गति हुन्छ यो हुँदाहुँदै पनि हामीले विभिन्न प्रलोभनमा परेर बाहिर गइरहेका थियौँ त्यसकारण आज अयोध्या बनारस हरिद्वार ऋषिकेश र त्यसको साथसाथै विभिन्न हाम्रो वृन्दावनसम्मका सम्पूर्ण सन्त महन्तहरूलाई लिएर आएर एक प्रकारले यसलाई अयोध्या बनाउन लागिरहेका छौँ यहाँहरू सबैको सद्भाव र प्रेम र त्यस प्रकारको यहाँको ऊर्जा के कस्तो रहेछ यसलाई अनुसरण गर्ने माध्यमबाट यहाँहरूले ग्रहण गरिदिनु भयो भने हामीले यो गरेको जुन श्रम छ यो अवश्य फलिभाव हुनेछ त्यसको साथसाथै यत्रो शुभ कार्यलाई हामीलाई धेरै समस्याहरू थिए वस्त्र धार्मिक व्यक्तित्वहरूको सहयोगबाट चन्दा भेटीबाट सञ्चालन हुँदै यहाँसम्म आइसकेको छ र यो महायज्ञलाई पनि यहाँहरूको सद्भाव र सहयोगले सम्पन्न गर्न हामीलाई हौसला प्राप्त भएको छ यसै क्रममा गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 श्रीका सुशीला प्रिन्टर्सका श्री कृष्णप्रसाद पाण्डेज्यूबाट 11,115 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ उहाँको परिवारको सुख शान्ति र उहाँको कामना पूर्ण होस् उहाँको सुशीला प्रिन्टर्सले पनि उन्नति प्रगति गरोस् यही कामना गर्दै प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु र यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि यसै गरी सप्तरी जिल्ला कञ्चनपुर आभार प्रकट गर्दै सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै अगाडि स्टेजमा आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि म र उहाँको यो प्रमाणपत्र पनि कृष्ण सरले नै बुझिदिनु होला यसै गरी गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी धार्मिक व्यक्तित्व श्री विष्णु कुमारजीले ₹10,000 उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको घर परिवारमा सुख शान्ति ऐश्वर्यको कामना गर्दै 11,051 प्रदान गर्ने उहाँलाई यहाँ प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि
हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी रेसुङ्गा गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 देवी नगर बस्ने ललिता ठाकुर सूरज ऋतु मधुमालती खनाल लगायतको परिवारबाट 11,051 रुपियाँ प्राप्त भएको छ, सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। विष्णु कुँवरजीलाई अगाडि आएर यसै गरी विभिन्न महानुभावहरूले धार्मिक ओम पुनन्त मां देवजनाः पुनन्त मनसादयः पुनन्त विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीह माम् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मृत पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरसुचे पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुनात पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकाक्ष पुनातुः। अब एक एक से आकर के शुरू का पूजा करेंगे। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद, गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख संकादि से सु अनुसारद, सुख संकादि आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराने अष्ट दस, गावत वेद पुराने अष्ट दस, सौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, सौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब हेति, आरती श्री रामायण जी के, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि परज बखानी, व्यास आदि कवि परज बखानी, आरती श्री रामायण जी की, कलिमलि हरण विशोभति की, स्वर्ग श्रृंगार मोति जुपति की, हरण रोग अहोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कलित ललित सियपि के, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के, ओम ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री अयोध्या धाम को, श्री वृंदावन।
गणेशा नमः श्री सरस्वती नमः श्री सीताराम चरण कमल नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः श्री लक्ष्मी नारायण चरण कमलेभ्यो नमः श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः श्रीमत् श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम नमो भगवते परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः ओम नमो भगवते उत्तम इसलोकाय नमः श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय परब्रह्मणे श्री रामचंद्राय नमः महर्षि श्री वाल्मीकि चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास चरण कमलेभ्यो नमः बागी साध्यास मनसा सर्वार्थानां वक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता श्रीरामे Ram Jai 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 Ram Jai
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम प्रणाम भगवान की वांग्मयी प्रतिस्वरूप श्री राम चरित मानस को वंदन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणिपात स्थान देवता ग्राम देवता इष्ट देवता को वंदन करते हुए भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन समुपस्थित समस्त श्रोता समुदाय भक्ति स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्य स्वरूपा मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम जी के दिव्य छवि को मेरा नमन। आए भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश करें। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए तो पीछे वालों को बैठने के लिए जगह पर्याप्त हो जाएगी। अभी आगे जगह काफ़ी खाली है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। पीछे जो खड़े हैं वो इधर आकर बैठ जाएंगे, आगे आ जाएंगे तो जगह है काफी। और कल से ये सीलिंग और बढ़ानी पड़ेगी लगता है। नहीं और बढ़ानी पड़ेगी और लगानी पड़ेगी एक एक लगता है, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा काफी होने लग गई है। धूप पड़िया अब लग रहा है थोड़ा भी थोड़ी भारत में थोड़ी नेपाल में हम लोग भारत की गर्मी और गुलमी की थोड़ी शर्म। बात नहीं करें, शांति से बैठिए आप लोग। के साथ कभी नहीं करनी चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान की समीक्षा नहीं करनी चाहिए और भगवान से संसार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये तीन चीजें भगवान से नहीं करनी चाहिए भक्त को, परीक्षा समीक्षा और इच्छा। क्या करो बोले, जीवन में अगर करना चाहते तो केवल और केवल भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम लोग भगवान की प्रतीक्षा कर सकते हैं, भगवान की प्रतीक्षा में हमारा अधिकार है, परीक्षा में और इच्छा में और समीक्षा में अधिकार नहीं है। भगवान की परीक्षा की माता सती ने और उनको अपना देह त्याग करना पड़ा। असकह योग अग्नि तनुजारा, भगवान की समीक्षा की सूपनखा ने, सूपनखा चरित्र जानते हो, सूपनखा गई भगवान के पास में विवाह करने के लिए और भगवान से कहती है, तो समय पुरुष नमो समय नारी यह संयोग विधि रचा विचारी, ना आपके समान कोई पुरुष है ना मेरे समान कोई स्त्री है, यह विधाता ने संयोग बनाया हुआ है बढ़िया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, विवाह कर लो मेरे साथ। और एक बात और कहती है, मेरे योग्य पुरुष पूरी सृष्टि में नहीं है, बहुत ढूंढा अपने योग्य लेकिन मेरे लायक कोई पुरुष मिला ही नहीं, मन माना कछु तुम्हें निहारी, आपको देख करके कुछ कुछ मन मान गया मेरा। वैसे 100% पास आप भी नहीं है, पूरे पास नहीं हो, लेकिन जब मेरे लायक मिला ही नहीं तो आपसे भी काम चलेगा। पूरे मेरे योग्य नहीं है आप, ये सूपनखा कह रही है भगवान से। तो भगवान सूपनखा से कहते हैं, देवी मैं तो विवाहित हूं,
मेरी पत्नी मेरे साथ में है। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है वो कुंवारा है, उससे जाकर विवाह कर लो। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी कुंवारे थे क्या? लक्ष्मण जी कुंवारे थे? नहीं थी, वो विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि मेरा भाई कुंवारा है, आप विवाह कर लो? भगवान को झूठ क्यों बोलना पड़ा इसमें? राम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मेरा भाई कुंवारा है? तो राम जी बोले, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए, सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ में सठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ये नीति कहती है। तो जैसे के साथ में तैसा व्यवहार करो। राम जी बोले, ये भी तो झूठ बोल रही है, ये कौन सा कुंवारी है? ये कह रही ताते अब लग रहे हो कुंवारी, ये कह रही मैं अभी तक कुंवारी थी, जबकि ये कुंवारी नहीं है, ये विवाहिता है, इसके पति का वध हो गया है, इसके पति को रावण ने मारा, इसके पति का नाम था विद्युत जीवा, सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जीवा, जिसका वध किया था रावण ने, रावण ने वध किया था। तो राम जी बोले, जैसी कुंवारी ये है तैसा कुंवारा मेरा भाई है, इसका पति मर गया है इसलिए ये अपने आप को कुंवारी कह रही है, और ये भी अपनी पत्नी को छोड़ के आया अयोध्या में, तो ये भी इसी की तरह कुंवारा है, इसलिए कुंवारा शब्द का प्रयोग किया। और एक बात और, गोस्वामी जी महाराज जब सूपनखा का परिचय देते हैं तो एक शब्द कहते हैं, सूपनखा रावण के बहनी, दुष्ट मति दारुण दुख अहिनी, अहिनी शब्द का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। सूपनखा क्या है? बोले अहिनी है, अहिनी, अहिनी माने होता है शर्पणी, अहिनी माने शर्पणी, शर्पणी जानते हैं, नागिन, नागिन जानते हैं, नागिन है नाग और नागिन, तो संस्कृत में नागिन को अहिनी कहते हैं, अहिनी। और जब लक्ष्मण जी का परिचय देते हैं तो भगवान कहते हैं अह कुमार मोर लघु भ्राता, अह कहते हैं नाग को, अह कहते हैं नाग को, सर्प को अह कहते हैं संस्कृत में। तो मानो भगवान कह रहे हैं तू भी नागिन है, मेरे साथ में भी नाग आया है, लक्ष्मण ये शेष नाग के अवतार है, अह ये भी नाग है, तो तू नागिन है तो तेरे लिए मैं नाग लेकर आया हूं, मेरे पास क्यों आई है, नाग के पास जा। तो भगवान की समीक्षा की सूपनखा ने, और भगवान ने नाग कितना भी सुंदर हो अगर मन सुंदर नहीं है तो वो भगवान को पसंद नहीं है, और शरीर चाहे जैसा ही क्यों ना हो अगर मन अच्छा है सुंदर है तो उससे भगवान प्रेम करेंगे। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, भगवान कहते हैं मन की निर्मलता मुझे अच्छी लगती है, शरीर का और सौंदर्य अगर भगवान को अच्छा लगता तो भगवान के पास में सूपनखा बहुत अच्छा बन के गई थी, रुचिर रूप धरी प्रभु वहां गई, लेकिन भगवान शरीर के सौंदर्य से नहीं रिझे, शिवरी से रिझ गए, जबकि उसके पास शरीर का सौंदर्य नहीं था। तो भगवान को शरीर का सौंदर्य पसंद नहीं है, वो शरीर से रिश्ता नहीं रखते। भगवान ने शिवरी के शरीर को भामिनी नहीं कहा, तो किसको कहा? बोले शबरी का शरीर वृद्ध था लेकिन शिवरी के हृदय में जो भक्ति थी, जो प्रेम था, वह भक्ति जवान थी, वह भक्ति सुंदर थी। तो भगवान ने शिवरी के शरीर को भामिनी नहीं, शिवरी के हृदय में जो भक्ति विराजमान है उस भक्ति को भामिनी कहते। हे माता तेरा शरीर वृद्ध है लेकिन तेरी भक्ति जवान है, तेरा हृदय सुंदर है, और इसीलिए भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया माता शिवरी को और कहा, नौ में से अगर एक भी भक्ति किसी के हृदय में होती है मैं उस पर रीझ जाता हूं, और माता तुम्हारे अंदर तो पूरी नौ प्रकार की भक्ति है। तो
भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। माता सती ने परीक्षा की देह त्याग दिया। ये दक्ष क्या है, सती क्या है, शिव क्या है, ये आध्यात्मिक कथाएं, दार्शनिक कथा। देखिए, दक्ष है क्रिया, दक्ष है क्रिया, सती है इच्छा, सती है इच्छा, और शिव है कल्याण। शिव क्या है, कल्याण है। यज्ञ जब भी किया जाता है तो समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, यज्ञ जब भी किया जाता है तो समाज के उत्थान के लिए किया जाता है, संसार के कल्याण के लिए यज्ञ होता है। और दक्ष जो यज्ञ कर रहा था, दक्ष का यज्ञ कल्याण के लिए नहीं था, दक्ष का यज्ञ प्रतिशोध के लिए था, शिव से प्रतिशोध लेना चाहते थे। तो प्रतिशोध के कारण क्रिया रूपी दक्ष ने कल्याण रूपी शिव को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। लेकिन इधर सती रूपी इच्छा ने कहा कि मैं क्रिया के पास जाऊंगी, दक्ष के पास जाऊंगी। कल्याण ने मना किया, कल्याण ने इच्छा से मना किया कि क्रिया के पास मत जाओ, क्योंकि कल्याण से अगर जुड़ी रहोगी तो भी तुम्हारा कल्याण है। अगर कल्याण को छोड़ करके इच्छा क्रिया के पास में जाएगी, हम कुछ भी करने की इच्छा अगर रखें तो पहले तो हमारे अंदर इच्छा कैसी होनी चाहिए, तो बोले हमारे अंदर संसार के कल्याण की इच्छा होनी चाहिए। अरे संभो करहि संघारा, अरे बल संभो करहि संघारा, तपे बल से करे महि धारा, तपे बल से करे महि भारा। हे शैल कुमारी, हे पार्वती, करहि जाए तप शैल कुमारी, आप जाकर के जंगल में जाओ, वन में जाओ और तपस्या करो। तपस्या करने से तुमको मनवांछित फल प्राप्त होगा, आपके अनुकूल आपको वर प्राप्त होगा। तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व तप का है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, ब्रह्मा जी तपस्या के प्रभाव से इस जगत की सृष्टि करते हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को उत्पन्न करते हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज तपस्या के प्रभाव से। तपबल विष्णु सकल जगत राता, तपस्या के प्रभाव से ही भगवान श्री ते रहते हैं, जहां तहां जाते हैं, जहां भगवान श्री राम का कीर्तन होता वहां बैठ जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं। कहीं जाकर के कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कहीं महात्माओं की सभा में भगवान शिव जाते हैं और उन्हें ज्ञान का उपदेश करते हैं, कथा सुनाते हैं। कतहु राम गुण करहि बखाना, कहीं राम नाम के गुण का बखान करते हैं, कहीं श्रोता बन करके जाते हैं तो कथा सुनते हैं, कहीं जाते हैं तो कथा सुनाते हैं। देखिए, भगवान शिव का पूरा घर उजड़ गया, पत्नी के देह का त्याग हो गया, पत्नी भी नहीं रही, पूरी गृहस्थी उजड़ गई उनकी, लेकिन भगवान से कभी इन्होंने एक भी बार शिकायत नहीं किया, एक भी बार नहीं कहा आपकी वजह से मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, आपकी वजह से मेरी पत्नी का देहांत हो गया, आपकी वजह से मेरी गृहस्थी उजड़ गई, एक भी बार शिकायत नहीं किया। और कोई हमारे जैसा साधारण इंसान होता और ये अगर सिचुएशन आती तो 24 घंटे में 20 घंटे भगवान को शिकायत करते हैं, हमारा काम बिगाड़ दिया, हमारा ये बिगाड़ दिया, हमारा यहाँ उजाड़ दिया, हमारा वहाँ उजाड़ दिया। लेकिन भगवान शिव ने नहीं कहा,
क्योंकि भक्त कभी शिकायत करना जानता ही नहीं है। भक्त कभी भी भगवान से शिकायत करना नहीं जानता, उलाहना देना नहीं जानता, वो तो केवल स्वीकार करना जानता है और दूसरी बात जानता ही नहीं, केवल वो स्वीकार करता है। राजे हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी बाहवा है उधर भी बाहवा। भक्त तो कहता है जिसमें तू राजी है मैं उसमें राजी हूं, अगर तू मेरे रोने से प्रसन्न होता है तो मैं जीवन पर्यंत तुझे प्रसन्न करने के लिए रोना चाहता हूं, तू मेरे हंसने से अगर प्रसन्न होता है तो मैं हंस के तुझे रिझाऊंगा। वो केवल अपने स्वामी को रिझाना जानता है, केवल अपने मालिक की प्रसन्नता जानता है, वो दूसरी चीज जानता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं। वो प्रेमी जो होता है सच्चा प्रेमी वो होता है जिसके अंदर कभी लेने की इच्छा नहीं होती है। जहां लेने की और जहां पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए वहां प्रेम नहीं होता है, वहां केवल स्वार्थ होता है, मोह होता है। प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती है, प्रेम में सिर्फ देने की इच्छा होती है। मैं लूटने के लिए आया हूं तो कितना लूट सकता है मेरे को, ये प्रेमी की बात है। मैं मिटने के लिए आया हूं तू मुझे कितना मिटा सकता है, मैं उजड़ने के लिए आया हूं तू मुझे कितना उजाड़ सकता है, ये प्रेमी का भाव है, ये भक्त का भाव है। प्रेम करना कोई साधारण बात नहीं है भैया। बहुत लोग कहते हैं प्रेम हम करते हैं लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथ ही धरे प्रेम कहा वे सोई। जो अपने सिर को काट करके हाथ में रख करके देना जानता है वो प्रेमी होता है, वो प्रेमी होता है। घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। अपने घर आग लगाना अब से दिल को लगाना, कोई मजाक नहीं। स्वामी के नाते आपको आज्ञा देता हूं, जाय विवाह बहु सैलजन, ये मेरी आज्ञा है, जाकर के पार्वती से विवाह करो, और अगर मुझे आप अपना मित्र समझते हो तो यह मोहि मांगे देह, लेत देत मन संक न धरई। मित्र से लेने में और मित्र को देने में शंका नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। तो अगर मित्र मानते हो तो मैं आपसे मांग रहा हूं, अगर मुझे स्वामी समझते हो तो मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं पार्वती से विवाह करो, अगर मुझे अपना सेवक समझते हो तो मैं विनती कर रहा हूं पार्वती से विवाह करो, और अगर मुझे मित्र समझते हो तो मैं आपसे मांग रहा हूं पार्वती से विवाह करो। तीन संबंध यहां पर भगवान ने प्रकट किए। तो कैसे यद्यपि उचित असनाही, भगवान शिव कहते हैं प्रभु उचित तो नहीं है। नाथ बचन पुन पे मेट न जाही, विवाह करने की इच्छा तो नहीं है प्रभु, उचित तो नहीं है। एक बार करके देख लिया, एक बार करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, दोबारा इच्छा तो नहीं है। लेकिन अब आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, आपकी आज्ञा तो हम टाल नहीं सकते हैं। हाँ,
सिर धरे आयुष करी तुम्हारा, आपकी आज्ञा सिरोधार है, क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। तीन लोगों की वाणी में ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अगर तीन लोग आज्ञा देते हैं तो उसको कर देना चाहिए। माता पिता गुरु और भगवान, चार लोग। माता पिता अगर जो आज्ञा देते हैं तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। गुरु अगर कोई आज्ञा देते हैं तो शिष्य को विचार नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। और भगवान यदि आज्ञा देते हैं तो विचार नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। बिना ही विचार करी शुभ जानी, बिना विचारे इन चार लोगों की वाणी को शुभ मान करके कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन आजकल का आदमी, माता पिता अगर कोई बात बताएं तो नहीं मानेगा, तो नहीं मानेगा। और अगर हमारा साला अगर कुछ कह दे, पत्नी का भाई, तो जरूर मान जाएगा। माँ बाप की नहीं मानेगा लेकिन साले की मान जाएगा। लिखा भी है, तरुणी प्रभुता गे हे शालगो बुद्धिदायिका, भागवत में लिखा है, तरुणी प्रभुता गे हे, पत्नी जो कहती है वही करता है, और पत्नी कहती है जो हम कहें वो करो, कोई भी काम करो हमसे सलाह लो, हमसे पूछो तब करो, माँ बाप से मत पूछो। और फिर भी अगर हमारी सलाह से आपका मन ना भरे तो मेरा भाई बड़ी अच्छी सलाह देता है, मेरे भाई को बुलाओ, उसको पूछो। सियाल को बुद्धिदायक, आज्ञा देने के लिए पत्नी हो गई और सलाह देने के लिए साला हो गया। माता पिता बेचारा पूछते ही नहीं, उनको नहीं पूछता। सियाल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला साला। और हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो है। दीवार आरो जानते हैं, आरो अलमारियां, अलमारी जो दीवार को काटकर अलमारी बनाते हैं। दीवार को काटकर ज्यादा अलमारी बना दोगे दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में साले को ज्यादा बुलाओगे और बार बार आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी कमजोर, ऐसी अपनी बहन को पट्टी पढ़ा के जाएगा कि दूसरे दिन से महाभारत शुरू हो जाएगी। प्रतिक्षम किम प्रमाणम, महाभारत का युद्ध साले की देन है, शकुनी, शकुनी साला था धृतराष्ट्र का। शकुनी की बात पर अगर दुर्योधन नहीं चलता तो महाभारत कभी नहीं होता। ये साले की भूमिका बड़ी खतरनाक होती है, जहां देखो वहां। सीता जी के हरण में भी साले की भूमिका थी, ये माहिल वो मारीच भी साले ही था, ये भी तो साले ही था, रावण का मामा था। विश्वसर्वा का साला था। तो जहां जहां साले की भूमिका रही वहां वहां युद्ध जरूर हुआ है। हाँ, आजकल के आदमी के देखो, अपने भाई को भाई साहब नहीं कहेगा, लेकिन पत्नी की भाई को भाई साहब जरूर कहेगा। तो जैसा पत्नी चलाती वैसे ही चलता है। नार विवश नकल नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। जैसे नट बंदर को नचाता है, ये देवियां भी नचा देती हैं इन लोगों को। क्यों नाचते होगी नहीं, सब नाचते हैं। पास में आठ प्रकार की बुद्धि थी, एक श्री हनुमान जी महाराज और एक अंगद जी, ये दो ही ऐसे हैं जिनके पास में आठ प्रकार की बुद्धि थी। और वे आठ प्रकार की बुद्धि के नाम का बाद में। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो गलत तो करेगा नहीं, समझ के ही करेगा।
लेकिन हनुमान जी जैसे बुद्धिमान ज्ञानी भी जब जानकी जी की खोज के लिए गए तो कहते हैं जामवंत पूछो मैं तो ही उचित सिखाम निधि जो मोही। जामवंत जी मुझे बताइए मैं क्या करूं लंका में जाकर। और जामवंत ने कहा ऐसे ऐसे करना ऊपर चले आए। तो बिना जामवंत के पूछे राम जी के दल में कोई काम नहीं होता। और रावण के दल में मालवंत, एक बार मालवंत ने रावण से कहा हे दशानन चौथे पण जाइए नृपकानन, चौथी अवस्था जब आ जाए तो वन में जाकर के भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तुम्हारा जो पुत्र है मेघनाद योग्य है, अपने बेटे को राजा अभिषेक कर दो, राजा बना दो और भगवान का भजन करो, जानकी को राम को वापस कर दो, क्यों अपना विनाश चाहते हो। ये मालवंत ने समझाया लेकिन रावण को समझ में नहीं आया, नहीं आया। मुझे ज्ञान देता है, मैं चार वेद का ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान देता है। बूढ़ भय सुनत मरते हो तो ही अब जन नयन दिखावस मोही। ये रावण कहता है बूढ़ा हो गया नहीं तो बहुत मारता मैं तेरे को, मेरे आंखों के बिल्कुल सामने से चला जा, कभी दिखाई मत देना। ये रावण का राज्य है। जिस घर में, जिस राज्य में, जिस परिवार में बूढ़े माता पिता का मान नहीं है, सम्मान नहीं है, उनका साधारण आदर नहीं है, सत्कार नहीं है, उस घर में, उस परिवार में रावण का ही राज्य होता है। वह परिवार जल्दी विनाश के रास्ते पर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए वृद्ध की सलाह जरूर लेनी चाहिए। रावण किसी की सलाह नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि विद्वान है, उसे अपनी विद्वता का अभिमान है। और हनुमान जी महाराज क्या बोले, विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान में और विद्वान में अंतर होता है, विद्यावान में और विद्वान में अंतर होता है। जो वेद को अपने दिमाग में रखे, जो ज्ञान को अपने दिमाग में रखे वो विद्वान होता है, और जो वेद को कान से सुन करके अपने हृदय में हृदयंगम कर लेता है और अपने जीवन में उतारता है वह विद्यावान होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विद्यावान है। जो वेद को हृदय में रखता है वह विनम्र होता है, और जो वेद को दिमाग में रखता है वो अभिमानी होता है। इसलिए रावण अभिमानी था और श्री हनुमान जी महाराज लेकर इतना कठोर तप कर रही हो। तो माता पार्वती ने कहा हंसी हो सुने हमार जड़ताई, मेरी जड़ताई को देख करके, मेरी जड़ता को देखकर आप हंसोगे। और एक शब्द और का देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। यहां दो शब्दों का प्रयोग करती है माता पार्वती, जड़ शब्द का प्रयोग करती हैं और अविवेक शब्द का प्रयोग करती है। हमारी जड़ता को देखो और हमारे अविवेक को देखो। हम भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो यहां दो शब्द प्रयोग किया है माता पार्वती ने, जड़ शब्द का और अविवेक शब्द का। जड़ माने होता है मूर्ख और अविवेक माने होता है अज्ञानी। अविवेक कहते हैं अज्ञानी को और जड़ कहते हैं मूर्ख को। तो क्या माता पार्वती मूर्ख हैं? विचार करो, क्या माता पार्वती अविवेकी हैं? तो ना तो माता पार्वती मूर्ख है और ना तो अविवेकी है। फिर वो अपने आप को मूर्ख और जड़ क्यों, अविवेकी क्यों कह रही है, जड़ और अविवेकी। तो यहां जड़ व्यक्ति में और अविवेकी व्यक्ति में एक गुण पाया गया, मूर्ख में भी एक गुण पाया गया और अविवेकी में भी गुण पाया गया। तो मूर्ख आदमी का और अविवेकी आदमी का गुण क्या है? तो बोले जैसे अविवेकी पुरुष को शरीर प्यारा होता है, जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही, जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही,
अविवेकी आदमी को अपना शरीर ज्यादा प्यारा लगता है। अविवेकी आदमी जो अज्ञानी होता है अपने शरीर से ज्यादा प्रेम करता है, और मूर्ख आदमी जो होता है उसे सुखी जीवन ज्यादा अच्छा लगता है। मूर्ख आदमी को सुखी जीवन ज्यादा अच्छा लगता है और अज्ञानी आदमी को शरीर से ज्यादा प्यार होता है, शरीर से ज्यादा प्रेम होता है। जब देखो तब शरीर को ही सजाता रहता है, है? जब देखो तब शरीर को ही सजाता रहता है, कभी ये क्रीम तो कभी वो क्रीम, कभी ऐसा तो कभी वैसा, दिन भर अपने शरीर में चेहरे में प्लास्टर ही करता रहता। जब देखो तब ब्यूटी पार्लर, जब देखो तब ब्यूटी पार्लर, शरीर को ही सजाने में लगे रहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं शीशे के सामने खड़ा रहता है, शीशे ही नहीं छोड़ना चाहता, अपने आप को ही देखता रहता है, फैशन में ही लगा रहता है। तो अज्ञानी आदमी अपने शरीर को ही सजाता रहता है, अपने शरीर को, और मूर्ख आदमी को सुखी जीवन बढ़िया डल्लब के गद्दे में सोने को मिल जाए, एसी मिल जाए, खाने को मिल जाए, कोई काम को करने को ना बोले, पड़े पड़े खाता रहे बस, उसे सुख ज्यादा अच्छा लगता है। तो मानो माता पार्वती अपने प्रेम की परीक्षा दे रही है, परिकाष्ठा, कि जैसे जड़ गए हिमाचल के पास में, और हिमाचल के पास जाकर के सप्तऋषि समझाया कि अपनी पुत्री को लेकर के आ जाओ और भगवान से उनको प्राप्त हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान शिव ने समाधि लगा लिया, और भगवान शिव ने समाधि लगा लिया, तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, और उस तारकासुर नाम के दैत्य ने वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध। कामदेव कांपने लग गया, बोले इसमें रिस्क बहुत है, इसमें रिस्क बहुत है, प्राणों का रिस्क है। तो देवराज इंद्र ने कहा, हे मित्र, हम आपको भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए जाते हुए देखना चाहते हैं। आप भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए जाओ और हम आपको जाते हुए देखना चाहते हैं। तो कामदेव ने कहा, जाते हुए तो देखोगे लेकिन आते हुए नहीं देख पाओगे। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, मौत है हमारी वहां। और वह कामदेव अपने काम कला को लेकर के भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गया, और वहां पर काम का विस्तार किया। भय काम बस जो कि से तापस पावे रहने की को कहे, भय काम बस जो कि से तापस पावे रहने की को कहे, देखहि चराचर नारे भरे ब्रह्मांड भी भर कामे कृत तो ते आई श्रीरा काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे। ऐसी काम कला का विस्तार किया कामदेव ने, जो योगी थे, जो तपस्वी थे, जो ज्ञानी थे, जो ध्यानी थे, वो काम के बस में हो गए। पावरन की को कहे, जो हमेशा काम के अधीन रहते हैं उनकी कौन बात करे। अबला मिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में। स्त्री पूरे संसार को पुरुष में देख रही है, और पुरुष पूरे संसार को स्त्री किया,
और कुछ ही क्षण में पूरे जगत में उथल पुथल मचा दिया। धरी न काहू धीर सबके मन मन से हरे, जे राखे रघुवीर ते उभरे तेहि काल में। सबके मन का हरण कर लिया कामदेव, लेकिन भगवान श्री राम की जिन पर कृपा, भगवान से इधर उधर देखने लग गए। आम के वृक्ष के पीछे कामदेव को छुपा हुआ देखा भगवान शिव ने। अब तो तीसर नेत्र को खोल दिया, जब से तीसर नयन उभारा, चितवन काम भयो जल छारा। जिस दिन हमारे ज्ञान का नेत्र खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, उस दिन काम जल करके भस्म हो जाता, फिर काम हमारे पास नहीं। काम की
देवताओं ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद में चुप हो गए। शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाए। काल कहीं भी आ सकता है, घर में भी आ सकता है, परदेश में भी आ सकता है, चलते फिरते आ सकता है। कितने लोग हैं जो चलते फिरते चले जाते हैं, कितने लोग हैं रोड में चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, गया। काल का कोई भरोसा नहीं कब और कहां आ जाए, इसलिए हमेशा दो बातों को, भगवान को और मृत्यु को याद रखना। जाती है बिना पैर के सरक जाती है, और ये संसार भी सरक जाता है। सरस्वती इति संसार, जो सरकता रहे वो संसार। आज संसार तुम्हारे साथ खड़ा है, अगर तुम्हारी अच्छी पोजीशन है, अच्छा पद है, अच्छा मान है, अच्छा नाम है, तो वह संसार तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। कल अगर तुम पद से नीचे गिर गए, तुम्हारी प्रतिष्ठा में कोई दाग अगर आया, तो वह संसार तुम्हें छोड़कर फिर किसी और के साथ हो जाएगा। यह सरकता रहता है, कभी तुम्हारे साथ खड़ा है तो कभी किसी और के साथ खड़ा है। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, हाथ में त्रिशूल है, तन विभूत पट केहरी छाला, केहरी छाला के हरी छाला माने मृग चर्म, सिंह के चर्म को कमर से लपेटा है भगवान शिव ने। सिंह का चर्म क्यों लपेटा है भगवान शिव? क्योंकि मृग चर्म जो है विघ्न का प्रतीक है, मृग चर्म विघ्न का, बाधा का प्रतीक है। राम कार्य में चाहे जितने विघ्न आए, भगवान के काम में चाहे जितनी ही बाधाएं आए, उन विघ्नों को, उन बाधाओं को अपने कमर से नीचे ही समझना चाहिए। पानी अगर कमर से नीचे है तो बहने का और डूबने का डर नहीं रहता है। बहने का डूबने का डर तब होता है जब पानी कमर के ऊपर आ जाता है, तब। तो राम के कार्य में अगर विघ्न को और बाधाओं को कमर के नीचे मानोगे तो बहोगे बहोगे नहीं, डूबोगे नहीं, पार हो जाओगे, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। और अगर उन बाधाओं को, उन विघ्नों को अगर कमर से ऊपर मानोगे तो डूब जाओगे, काम नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, कमर से क्यों लपेटा है? तो बताया, मृग जो है, सिंह संयम का प्रतीक होता है। सिंह जो है वो संयमित जीवन जीता है, संयम का प्रतीक होता है। सिंह से ज्यादा संयमित जीवन किसी का नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली सिंह होता है। हाथी से भी ज्यादा शक्ति होती है इसके पास, क्योंकि ये संयमित जीवन जीता है। एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है सिंह, एक साल के बाद गर्भाधान संस्कार होता है, साल में एक बार ही गर्भाधान गर्भवती होती है सिंहनी। इसलिए सिंह एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, संयमित जीवन होता है सिंह का। तुम मानो भगवान शिव कह रहे हैं हम गृहस्थ में जा जरूर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ में जाने के बाद भी हम संयमित जीवन जिएंगे। जो गृहस्थी संयमित होता है उस गृहस्थी को भी ब्रह्मचारी कहा गया है। जो गृहस्थ संयमित जीवन जीता है वह गृहस्थ, संयम से जीवन जीने वाला गृहस्थी भी ब्रह्मचारियों की श्रेणी में आता है। इसलिए गृहस्थ जीवन संतान उत्पत्ति के लिए होता है, भोग भोगने के लिए नहीं होता। केवल पितृ ऋण से उऋण होने के लिए गृहस्थ जीवन है, कुत्तों की तरह भोग भोगने के लिए नहीं है। इसलिए संयमित रहना चाहिए जितना हो सके। आगे कहा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, हाथ में त्रिशूल है भगवान शिव के। ये त्रिशूल क्या है? त्रिशूल में तीन शिखर होते हैं, त्रिशूल में तीन शिखर होते हैं। ये तीन शिखर क्या है? बोले तीन गुण ही तीन शिखर है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों को भगवान शिव अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अथवा तीन ही काल होते हैं, भूतकाल,
वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों को भगवान अपने हाथ में लेकर चलते हैं। कर्तृशूल और डमरू विराजा, डमरू डमरू है हाथ में। डमरू क्या है? ये डमरू डिमडिम घोष का प्रतीक है, ये वेद का प्रतीक है। भगवान शिव के डमरू से वेद निकले हैं, भगवान शिव के डमरू से वेद मंत्र निकले हैं। तो मानो भगवान शिव कह रहे हैं कि हम विवाह करने जा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन जो होगा वह वेद मार्गी रहेगा, हम वेद के बताए हुए मार्ग में ही चलेंगे, वेद के बताए हुए निर्देश में ही चलेंगे, वेद जैसा निर्देश करते हैं उसी तरह से हम जीवन जिएंगे। तो गृहस्थ जीवन में जाना गलत नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने के बाद में अपने धर्म शास्त्रों के बताए हुए जो मार्ग हैं, वेद के द्वारा बताए हुए जो मार्ग हैं, हम गृहस्थ जीवन में रह करके वेद मार्ग का उल्लंघन ना करें, वेद मार्ग पर ही चलना चाहिए, शास्त्र के बताए हुए नियम के अनुसार ही हमें जीवन जीना चाहिए, तब वह जीवन सुखमय होता है और आगे चल के कल्याण होता है। चले बस है चढ़ बाज ही बाजा, बैल में बैठकर जा रहे हैं, बैल भगवान शिव की सवारी है, बैल, बैल ही कहते हैं ना यहाँ पर, गुरु गुरु नंदी नंदी, वृषभ, वृषभ तो समझ में आएगा, वृषभ। तो चढ़े चले बसह चढ़ बाजे ही बाजा, वृषभ में चढ़कर जा रहे हैं, बैल के ऊपर, सांड के ऊपर चढ़कर के, नंदी के ऊपर बैठकर जा रहे हैं। तो वृषभ के ऊपर चढ़कर के जा रहे हैं भगवान शिव, और बैठे कैसे बोले, उल्टा उल्टा बैठे भगवान शिव, बैल की मुंह की तरफ पीठ किया हुआ है पृष्ठ भाग, और बैल की पूंछ की तरफ मुंह किया हुआ है, और पूंछ पकड़ के बैठे, पूंछ पकड़ के बैठे हैं। तो किसी ने भगवान से कहा सीधे बैठ जाओ, सीधे, बहुत दूर की यात्रा है, बहुत दूर की यात्रा, सीधे बैठो। तो शंकर भगवान ने कहा ये बताओ, चलना मुझे कि बैल को? बोले चलना तो बैल को है। तो बोले मैं चाहे सीधा बैठूं चाहे उल्टा बैठूं, बैल तो सीधा ही चलेगा, ये उल्टा थोड़ी चलेगा, ये तो सीधा ही चलेगा। बोले बात तो सही है। और भगवान शिव कह रहे हैं देखो हम ठीक बैठे, हमारे बारात में कौन है? बोले आपकी बारात में इंद्र है, ब्रह्मा है, देवता है, नारायण है। तो बोले नारायण मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे स्वामी हैं। और बारात में सबसे आगे दूल्हा का वाहन होता है, दूल्हा के पीछे बाराती होते हैं, और अगर मैं सीधा बैठ जाऊंगा तो मेरे बारात में भगवान है, भगवान पीछे चल रहे हैं, मैं आगे चल रहा हूँ, सीधे अगर बैठ जाऊंगा तो भगवान की तरफ मेरी पीठ हो जाएगी, भगवान की तरफ मेरी पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा क्या बैठना जो भगवान की तरफ पीठ कर दे, मैं तो सीधा ही बैठा हूँ, भगवान का दर्शन होता जा रहा है। भगवान को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था तो अपने पृष्ठ भाग से अधर्म को प्रकट किया था, पृष्ठ भाग से अधर्म को प्रकट किया था, अधर्म पीठ में निवास करता है, पीठ में अधर्म निवास करता है पृष्ठ भाग में। अगर हम भगवान को पीठ दिखाते हैं तो भगवान को अधर्म का दर्शन होता है, और हृदय से भगवान ने धर्म को प्रकट किया, हृदय से ब्रह्मा जी ने धर्म को प्रकट किया है। तो इसलिए भगवान को हमेशा हृदय दिखाना चाहिए, सामने से देखना चाहिए। मंदिर से कभी भी वापस जब लौटो तो पीठ करके सीधी से वापस नहीं लौटना चाहिए, दर्शन करके सीधे लौटना चाहिए, ताकि भगवान को धर्म दिखाई दे। और जब हम उलट जाते हैं, पीठ के बल चलते हैं, तो भगवान को फिर अधर्म दिखाई देता है। और भगवान ने कहा एक बात और, वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक होता है, वृषभ धर्म का प्रतीक है, क्योंकि जब परीक्षित देख रहा था एक काला काला बौना पुरुष एक गाय को और एक वृषभ को पीट रहा था, तो परीक्षित महाराज आए और जब उस काले काले बौने पुरुष से कहा तू कौन है, मेरे राज्य में
इन मूक प्राणियों को कष्ट दे रहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मारने के लिए उद्यत हुए तो वह और कोई नहीं था, कलयुग था, और गाय के रूप में पृथ्वी थी और वृषभ के रूप में धर्म था। तो धर्म जो है वो वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है। भगवान शंकर कहते हैं अपने आप को और अपने जीवन को धर्म से जोड़ना चाहिए, अपने जीवन को धर्म से जोड़ो। जो अपने जीवन को धर्म से जोड़ देता है तो वह चाहे सीधा जुड़ जाए चाहे उल्टा जुड़ जाए, अपने जीवन को चाहे सीधा जोड़ो और चाहे उल्टा जोड़ो, शर्त यह है कि तुम अपने जीवन को धर्म से जोड़ दो। और जो अपने जीवन को धर्म से जोड़ देता है तो धर्म की शर्त यह हो जाती है कि तुम्हारे जीवन को फिर पार कर देता है, तुमको तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो हम अपने आप को धर्म से जोड़ें। शंकर भगवान जा रहे हैं। अब भैया शंकर भगवान के बाराती, शंकर भगवान का रूप, शंकर भगवान का भेष देख करके विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं और बोले, विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। भगवान विष्णु ने कहा इस दूल्हा के लायक बारात नहीं है भैया इस दुनिया में, जगत में। पराए घर में जाकर के हंसी कराओगे, अपने अपने वाहन को लेकर चलो, किसको ये तो आते रहेंगे। अब विष्णु भगवान सभी बारातियों को लेकर चले गए और जब चले गए पीछे देखा तो कोई बाराती नहीं, मैदान साफ। शंकर भगवान ने कहा सब कहाँ गए। नंदी ने कहा वो तो गए, कहाँ गए। बोले गए तो शंकर भगवान ने कहा गए तो अपने बारातियों को बुला लो। और शंकर भगवान के बारातियों को भृंगी प्रेर सकल गण टेरे, भृंगी ने सभी को जब बुलाया अब भैया पूरे संसार के भूत आ गए, पूरे संसार के भूत। को मुखहीन विपुल मुख काहु, को मुखहीन ऋषि पुरुष को अति तन कीना, ऋषि पुरुष को अति तन कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मुखहीन विपुल मुख का। विपुल नयन को नयन दिहीना, किसी के बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे आंखें और किसी के आंखें है ही नहीं। अरिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, कोई बहुत मोटा ताजा, बहुत मोटा ताजा, और कोई बिल्कुल एक्सरा की तरह हड्डी, बस हड्डियां चमक रही है, ऐसे ऐसे भूत। और भगवान के जब भूत आए बारात में, जगह जगह के भूत आए, नेपाल के भी भूत थे, भारत के भी भूत थे, और विदेश वाले भी भूत थे, फॉरेन कंट्री के भी भूत आए, सब भूत आए। और जैसे शंकर भगवान की बारात आगे बढ़ी तो नेपाल के और भारत के भूत बोल रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बेचारे विदेशी भूत चुप, फॉरेन कंट्री के भूत चुप, उनको हिंदी आती नहीं थी, वो बिल्कुल चुप। तो किसी ने कहा बोलना कुछ, बोले क्या बोले, इनको समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं। अरे बोले कुछ तो बोल, बेइज्जती करवा रहा है, कुछ तो बोल। तो जैसी नेपाल और भारत के भूत बोले हर हर महादेव, और विदेशी भूतों को हिंदी आती नहीं थी तो बोले हाय 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 हाय, वो हाय हाय करने लग गए। और जब से विदेशी भूतों ने नेपालियों को और भारतीयों को हाय हाय सिखा दिया तब से सब हाय हाय करने लग गए, हर हर महादेव भूल गए।
किसी को भी अगर विदा करते हैं भेजने के लिए, किसी को भी तो हाय हाय, अरे हमारी भाषा है सनातनी है, हर हर महादेव, जय श्री राम, सीताराम, राधेश्याम, ये हाय क्या है? अरे हाय तो हम लोग तब करते थे जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती थी, तब हम लोग सनातनी हाय तब बोलते थे जब हम दुखी होते थे तब। आज जहां देखो वही हाय, सुखी में है तो हाय, किसी को भेज रहा है तो हाय, किसी से मिल रहा है तो हाय, हाय हाय करता रहता है, इसीलिए तो हम लोग दुखी रहते हैं। हर हर महादेव भूल करके हाय हाय चिल्लाने लगे। ऐसी बारात है भगवान शिव की, बड़ा सुंदर भाव है, एक है तो भारतीय भाषा में वो भजन, और उसके बोल हैं बुंदेली, थोड़ी सी बोल हैं। हमारे भारत में एक बुंदेलखंड नाम का क्षेत्र है, आपने कभी सुना हो झांसी की रानी का, कभी सुना हो आप लोगों ने, तो वो बुंदेलखंड पड़ता है, थोड़ी वहाँ की लैंग्वेज है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलो देख आवे पार्वती के सैया, सैया कहते हैं दूल्हा को, सैया कहते हैं दूल्हा को, चलो पार्वती के दूल्हा देख करके आए, भला कैसे हैं, कैसे हैं? धमना की कसे लंगोटी, इसका एक शब्द है, धमना एक सांप होता है, सांप को कहते हैं, सांप को कमर में बांध रखा है, सांप को बांध करके आ रहा है, तो बड़ा अच्छा भाव है। अरे धमना की कसे लंगोटी, धमना की कसे लंगोटी, करिया की कर धनिया, चलो देखिया में पार्वती के सैया, चलो देखिया में पार्वती के सैया, चलो धमना की कसे लंगोटी, धमना की कसे लंगोटी, करिया की कर धनिया, चलो देखिया में पार्वती के बैठे भोला नाग ने लपटाए, बूढ़े बैल पे बैठे भोला नाग ने लपटाए, बूढ़े बैल पे बैठे भोला नाग, नर मुंडों की माला पहने तन में भस्म रमाए, नर मुंडों की माला पहने तन में भस्म लगाए, भूतनाथ को नजर न लावे, भगवान को नजर न लग जाए, तो नजर कौन उतार रहा है? बोले नजर उतार रही है भूतनी, भोलेनाथ की नजर भूतनी उतार रही है। अब विचार करो, जिसकी नजर भूतनी उतारे उसको नजर कौन लगाए? Oh,
चम चम चंदा चमक रहा है जटा में सोहे गंगा चम चम चंदा चमक रहा है जटा में सोहे गंगा चम चम चंदा चमक रहा है जटा में सोहे गंगा चम चम चंदा चमक रहा है जटा में सोहे गंगा आधे पन पे वस्त्र लपेटे आधा तन है नंगा बाजू बंद लगे बिछुवन के तन पे लगी ततैया चलो देख आवे पार्वती के सैया चलो देख आवे पार्वती के सैया नाच दिखावे अंधारा है दिखावे लूला लंगड़ा नाच दिखावे अंधारा दिखावे लूला लंगड़ा नाच दिखावे अंधारा है। उनको भी डर लग रहा है लेकिन बेचारे धैर्य धर करके खड़े रहे। कहीं हम भी भाग जाएंगे तो कहेंगे बहुत बनते थे भाग गए डर के मारे। तो बेचारे वो डर वो भी रहे थे लेकिन खड़े रहे। इतने में एक बिना मुंह वाला भूत आया और बिना मुंह वाले भूत ने जैसे कहा ठहरने की व्यवस्था कहाँ है तो जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ा था बेचारा गिर गया बेहोश हो गया। जैसे तैसे होश आया तो उसने कहा ठहरने की व्यवस्था कहाँ है तो एक बूढ़े ने कहा चाहे जहां जगह मिले वहां ठहर जाओ तुम्हें कौन ठहराए जहां जगह मिले वहां ठहर जाओ। ऐसी व्यवस्था बारातियों की। इधर बालक जब आए घर में तो घर में बालकों ने आते ही किवाड़ बंद शुरू कर दिया किवाड़ बंद करो खिड़की बंद करो ये बंद करो वो बंद करो। तो माता पिता ने कहा बात क्या है ऐसा क्यों कर रहे हो बोलने नहीं पहले बंद करो बाद में बताएंगे। बंद कर दिया फिर बोले बात क्या बोले बारात देख करके आए क्या देख कर गए बोले बड़े बड़े भूत प्रेत। अरे बाप रे बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप बाप रे बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप बाप रे बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप बड़े बड़े भूत प्रेत बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप बाप रे बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप हो। कैसे भूत प्रेत कैसे कैसे सांप कैसे कैसे भूत प्रेत कैसे कैसे सांप कैसे कैसे माई बाबू पूछ लगे माई बाबू पूछ लगे अचरा से जान बाप रे बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप
करे भैसे विलाप और प्रलाप, कोई करे भैसे विलाप कोई करे भैसे विलाप और प्रलाप कोई करे भैसे नहीं, हम बोलेंगे क्यों किसी को। जलवासी में बारात को ठहराया गया, लेकिन जो बारात को ठहरा करके आए थे वो बिल्कुल चुप हो गए, एकदम सन्नपात जैसा उनको मार गया, बोल नहीं रहे, बिल्कुल चुपचाप खड़े। तो किसी ने कहा बारात को ठहरा दिया, बोले हाँ हाँ ठहर गए ठहर गए। अरे ठहर क्या गए, ठहरा दिया कि नहीं, बोले हाँ ठहर गए, बोल तो दिया ठहर गए। तो बोले कि जाओ फिर बारात के लिए नाश्ता लेकर के जाओ, नाश्ता लेकर के जाओ। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, क्यों क्यों ठहरा के आया, बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे, बारात को नाश्ता की जरूरत पड़ेगी। बोले देखो हमें यहाँ का काम बता दो, जितना कहोगे उतना काम करेंगे, हम नाश्ता लेकर के नहीं जाएंगे, और एक काम को हर बार हम ही नहीं करेंगे, दूसरे को भेज दो, दूसरा जाकर के नाश्ता कराए। हमने बारात को ठहरा दिया, दूसरे से कहा भैया तुम नाश्ता लेकर के जाओ बारात के लिए। और जैसे ही वो नाश्ता लेकर के सिर में रख करके जा रहा था नाश्ता लेकर के, और जैसे भूतों को देखा बीच में ही नाश्ता रखा और भाग आया, रास्ते में ही नाश्ता रख करके भाग आया। तो किसी ने कहा नाश्ता करा दिया, बोले कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अरे बोले कर क्या लेंगे, करा के आया कि नहीं। अरे बोले कर लेंगे, कहीं हम ही नाश्ता बन जाए तो। जैसे तैसे अब जनवासी में जब बारात आती है द्वारचार के लिए, माता मैना आरती की थाली सजाकर खड़ी थी, और आरती की थाली सजाकर खड़ी थी तो सबसे पहले भगवान नारायण आए। जैसे नारायण आए तो नारायण को देखकर माता मैना बड़ी प्रसन्न हुई। बगल में नारद जी खड़े थे, नारद जी से कहा वाह 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 नारद जी, कितना सुंदर दूल्हा बताया है मेरी बेटी के लिए। नारद जी बोले दूल्हा नहीं है। तो बोलिए दूल्हे के मिलने जुलने वाले हैं, यार दोस्त हैं उनके। माता ने कहा धन्य है नारद जी, जिस दूल्हे के मिलने जुलने वाले इतने सुंदर हैं, वह दूल्हा कितना सुंदर होगा वो तो बोले देखने के बाद ही पता चलेगा माता, अभी से क्या बताएं। नारायण निकल गए, देवराज इंद्र आया हाथी में बैठ, आहा ये दूल्हा जरूर होगा नारद जी, ये दूल्हा होगा। बोले ये दूल्हा नहीं है, छोटी सी बात करती हूँ माता जी। तो बोले आपकी दूल्हा के नौकर चाकर हैं, क्या करता है। बोले ये दूल्हा के यहाँ पानी का काम देखता है, पानी आने का काम देखता है। तो बोले जिसका नौकर पानी का भरने वाला, पानी का काम देखने वाला हाथी में बैठ कर आ रहा है, दूल्हा किस में बैठ कर आ रहा होगा। नारद जी मन ही मन बोले वो तो बैल में बैठ के आ रहा है। धन्य है नारद जी मेरी बेटी के भाग खुल गए, बड़ा सुंदर दूल्हा बताया। तो नारद जी ने कहा माता जी जो भाव अभी है वही भाव अगर आपका दूल्हा देख के भी बना रहे तो बात है। बोले कहने का मतलब क्या। बोले नहीं नहीं कहने का कुछ मतलब नहीं। इतने में कुबेर आया, सोना चांदी सब खजांची है देवताओं का, गले में डालकर आया। अब तो मैना ने कहा ये दूल्हा जरूर होगा, ये दूल्हा। बोले ये दूल्हा थोड़ी है। तो बोले ये दूल्हा का मुनीम है, मुनीम हिसाब किताब देखता है, खजांची है। अरे वाह नारद जी, जिसका मुनीम सोना चांदी इतना पहन करके आया वो दूल्हा क्या पहन करके आएगा। नारद जी ने कहा नरमुन्नो की माला सांप बिच्छू, लेकिन बोल नहीं रहे, चले गए। अब भगवान श्री नारद जी ने विचार किया अब शंकर भगवान की बारात आने वाली है तो अब यहां से खिसक जाना चाहिए, खिसकंतम कुशलंतम भवेता, खिसकने में ही भलाई है। सोई मैना से कहा अब दूल्हा आने वाला है माता, मैं जाता हूँ बाहर कभी काम देख लेता हूँ, कुछ और काम देख लेता हूँ, वहाँ कभी काम बहुत है और आप दूल्हा का स्वागत कर लेगा। बोले अच्छा अच्छा हाँ ठीक है जाओ। इतने में शंकर भगवान की बारात आई भैया, ढूंढा बैल में बैठ करके, वृषभ में बैठ करके आई, उल्टा बैठे थे पूंछ की तरफ,
पूंछ की तरफ मुंह, तो किसी ने कहा अरे दूल्हा का मुंह दिखाओ, दूल्हा का मुंह। बोले किस लिए? शंकर भगवान ने कहा किस लिए? तो बोले दूल्हा का तिलक किया जाता है। तो शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, पहले हमारे नंदी का तिलक करो, वाहन का तिलक करो, उसके बाद हमारा तिलक। तो किसी ने, बराती ने कहा कमाल करते हो, बैल का तिलक थोड़ी होता है वाहन का, दूल्हा का तिलक होता है। तो शंकर भगवान ने कहा उसी का हो जाने दो, नहीं फिर किसी का नहीं होगा, उसी का हो जाने दो। बैल का तिलक हुआ और बैल का तिलक होने के बाद में बोले दूल्हा को दिखाओ। किसी ने कहा बैल को घुमाओ, और जैसे बैल को घुमाया, शंकर भगवान की आरती कर रही थी माता मैना, आरती की और नीचे से आरती, चरणों से प्रारंभ की आरती करना, और जैसे ऊपर ऊपर की तरफ आरती लेकर गई, और जैसे ऊपर देखा विकट वेश रुद्र ही जब देखा अबलन और भय भयो विषेका, जैसे विकट रूप रुद्र भगवान को देखा अब तो बिचारी भागी, भाग भवन बैठी अधित्रासा गई महेश जान। थाली फेंक दिया, थाली फेंक करके भागी वहां से, ये दूल्हा है पागल आदमी को भेज दिया दूल्हा बनाकर, मेरी बेटी का नार तेरा भला नहीं होगा, मेरी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा बताया, मेरी बेटी जितनी सुंदर उतना पागल दूल्हा, उतना पागल दूल्हा। तमाम बात करने लग गई, बांझ कभी प्रसव की पीड़ा नहीं जान सकती है, नारद तुम कभी नहीं जान पाओगे बांझ का जान प्रसव की पीड़ा। अब नारद जी को तमाम बात सुनाने लग गई, तो किसी ने कहा जाओ मैना को समझा करके आओ। तो नारद जी बोले अब अकेले नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तो बोले क्यों? ज्ञान देने के लिए तो अकेले चले गए, अब अकेले क्यों नहीं जाओ? बोले नहीं नहीं साथ में भेजो तब जाएंगे। तो सप्त ऋषियों को साथ में लेकर के आए, और नारद जी ने समझाया, सप्त ऋषियों ने समझाया, आपकी जो बेटी है उमा अंबिका भवानी, ये कोई और नहीं है, ये जगदम्बा है, जगत जननी है, ये हमेशा शिव की ही अर्धांगनी होती है, ये आदिशक्ति है पराशक्ति है, आपकी बेटी बनकर के आई है। और उधर बारातियों ने आपातकालीन सभा बिठा दिया, बोले भैया पहले भोजन करेंगे बाद में विवाह होगा, पहले भोजन करेंगे। और विवाह में प्रथा ऐसी होती है पहले विवाह होता है बाद में भोजन होता है, लेकिन बारातियों ने कहा नहीं 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 हमें विवाह से मतलब नहीं है, पहले भोजन फिर विवाह। अच्छा बाराती जो होता है ना उसे दूल्हा से मतलब रहता है, ना दूल्हा के परिवार से मतलब होता है, ना कन्या पक्ष वालों से मतलब होता, किसी से मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ रसगुल्ला से मतलब, उसे केवल पार्टी से मतलब होता है, बढ़िया खाने को मिल जाए, विवाह हो या ना हो उसको खाने को मिल जाए, वो खाने से मतलब रखता है, वो किसी और से मतलब नहीं रखता है। वहां बोले भैया विवाह पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पहले भोजन, पहले भोजन। अब भोजन की व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई, और भूत प्रेत बैठे पंक्ति लगा करके बैठे, एक आदमी को बोला जाओ परोसने के लिए, परोसने के लिए ना जाए, एक आदमी के हाथ में पत्तल दिया, बोले जाओ परोस करके आओ। और जैसे ही परोसने के लिए गया, डरते डरते परोस रहा है कहीं हम ही नाश्ता ना बन जाए, डरते डरते पत्तल, पत्तल जानते हैं पत्ते का जो आपके यहाँ बनता है ना, थाली गिलास कटोरी जैसा, वो परोस रहा था, ये जो से रखे हुए हैं तपरी, हाँ परोस रहा था। और जैसे ही परोसा किया तो एक एक डाल रहा था, और एक जगह रुक गया। अब रुक गया तो किसी ने पीछे से आवाज लगा, अरे खड़ा क्यों हो गया, परोस करके आगे बढ़। तो बोले तुम ज्यादा बड़े समझदार बन जाओ, तुम चले आओ। क्या हुआ? तो उसने कहा को मुखहीन, इसके मुंह नहीं है, अब ये खाएगा कहां से, अब पत्थर डाले तो डाले किधर, इसके मुंह नहीं है, आगे डाले पीछे डाले बाएं डाले दाएं डाले किधर डाले। सोई बिना मुंह वाला बोला तुझे क्या मतलब है, तू तो पत्थर डाल। जब उसने कहा पत्थर डाल तो देखने लगे बोल कहां से रहा है, बोल कहां से रहा है, और डर के मारे पत्थर को फेंका और भागा वहां से, बिना मुंह वाला बोल रहा है। जैसे तैसे दूसरे को बुलाया, अरे भाई भाग गया तू परोस, तू
वो परोसने लग गया, आगे गया वो भी रुक गया। बोले तू क्यों खड़ा हो गया? बोले विपुल मुख का हूं, इसके मुंह मुंह है, कई मुंह है, अब इसके सामने कितनी पत्तल डाले, इसके सामने कितनी पत्री डाले। तो बोले तू तो डाल के निकल। अब ऐसे डाल के निकला और जैसे पीछे देखा तो पत्तल साफ, एक भी पत्तल नहीं। तो बोले पत्तल कहां गई? तो भूत बोले हमने सोचा तो यही खाने की व्यवस्था, हम तो खा गए, हम तो खा गए। अरे बोले जो पत्तल खा गया उसको आदमी खाने में कितना देर लगेगा, वो भी भागा मान। जैसी तैसी परोस पत्तल परोसा गया। एक आदमी को कहा गया पानी परोस, उसको पानी परोसने की जिम्मेदारी दिया और पानी परोसने के लिए 20 फुट का बांस लाया, 20 फुट का बांस, और बांस में लोटा बांधा उसने, और बांस में लोटा बांध करके पानी में डुबोता 20 फुट की दूरी से परोस रहा है, 20 फुट की दूरी से। तो बोले इतनी दूर से क्यों? बोले पास से परोसेंगे, कहीं भोजन में देर हो गई और कहीं हम ही को भोजन समझ लिया तो। तो जैसे तैसे परोसा हुआ। अब परोसा होने के बाद में भगवान से उसे कहा प्रभु अब बहुत हो गई लीला, अब अपना वास्तविक रूप प्रकट करो। तो भगवान शंकर ने अपना फिर वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, भगवान शिव कपूर की तरह गोरे हैं, भगवान शिव सांवले नहीं है, वो तो जब भस्म लगाते हैं तब उनका शरीर सांवला दिखता है। भगवान शिव कपूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम, कपूर जानते हैं, जैसे कपूर वाइट है सफेद रहता है, कपूर की तरह गोरे हैं भगवान। करुणा के अवतार है, संसार के जो एकमात्र सार है। भगवान ने जब अपने रूप को प्रकट किया, करोड़ करोड़ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर भोलेनाथ का वो स्वरूप देखकर सब मोहित हो गए। और भगवान के विवाह की जो तिथि थी उस तिथि के अनुसार विवाह की क्रिया प्रारंभ की गई। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजो शंभु भवानी को सुनि संशय करे जाने सुर अनाद जिए जाने। महात्माओं का अनुशासन पाकर के भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी का पूजन करने के बाद में विवाह की जो भी क्रियाएं हैं संपन्न की गई। तो यहां प्रश्न ये होता है, गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र हैं और अभी गणेश जी का जन्म ही नहीं हुआ है तो शिव के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हो गई? जब जन्म ही नहीं हुआ, जन्म तो अभी होना बाकी है, तो शिव के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हुई? तो गणेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ध्यान दें, गणेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, गणेश पद का नाम है, गणेश पद का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, जो उस पद में बैठेगा उसको प्रधानमंत्री माना जाएगा। मुख्यमंत्री एक पद का नाम है, उस पद में जो बैठेगा उसको मुख्यमंत्री माना जाएगा। इसी प्रकार से गणेश एक पद है। दारिद्र्यम, जो कपड़े के आसन में बैठता है उसे दरिद्रता की प्राप्ति होती है। धरण्याम शोक संभव, बिना आसन के धरती में पृथ्वी में नहीं बैठना चाहिए। जो बिना आसन के पृथ्वी में बैठ करके साधना करता है तो शोक संभव, उसे दुख की प्राप्ति होती, शोक मिलता है। शिलायंचा भवेद व्याधि, पत्थर में शिला में बैठकर भजन नहीं करना चाहिए। जो बिना आसन के पत्थर में शिला में बैठकर भजन करता है तो भवेद व्याधि, उसे
उसकी जीवन में व्याधियां आएंगी, रुकावटें पैदा होंगी और काष्ठे व्यर्थ परिश्रम, जो लकड़ी में बैठकर बिना आसन के लकड़ी में बैठ जाता है और भजन करता है तो व्यर्थ परिश्रम, उसका परिश्रम व्यर्थ में जा रहा है, उसे कुछ मिलेगा नहीं, केवल शरीर से श्रम हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, उसे उसका फल नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चार ही आसन होते हैं, व्याघ्र का, काले हिरण का, कुशा का और कम्बल का। अगर दो नहीं है तो कुशा और कम्बल उत्तम है। इन दो आसनों का प्रयोग करके ही व्यक्ति को भजन और साधना करना चाहिए। भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती आई अवसर जाना और कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की, और जब कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की तो भगवान शिव ने कहा, धन्य हो देवी, आप धन्य हैं, तुम समान नहु को उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, सकले लोग जग पावनी गंगा। आपने कथा की जिज्ञासा प्रकट की है, धन्य है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनो प्रश्न जगत हित लागी। आप भगवान के चरणों के अनुरागी हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न किया है जिससे जगत का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। और भगवान शिव कथा सुनाने लग गए। भगवान के अवतार के बहुत कारण हैं देवी। एक बार जय और विजय भगवान के जो दूत हैं, सनकादिक महात्माओं को वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया और उन्होंने क्रोध करके श्राप दे दिया कि 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। भगवान के वही दूत जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, भगवान वाराह और नरसिंह बन करके उनका उद्धार किया। दूसरी जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान राम बन करके उनका कल्याण किया। और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने, भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर के दोनों का उद्धार किया। राम जन्म के हेतु अनेक कई कारण है राम जन्म के। एक बार जालंधर नाम का एक दैत्य था जो सभी को जीत लिया, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा, परम सती असुराध पिनारी, वह परम सती थी, उसकी वजह से जालंधर का वध नहीं हो रहा था। तो भगवान श्री नारायण जालंधर का वेश बना करके उसके सतीत्व को नष्ट किया और बाद में जालंधर का वध हुआ। जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने नारायण को शिला होने का श्राप दे दिया, पत्थर होने का। तो जब शिला होने का श्राप दिया तो भगवान वही नारायण शिला रूप में प्रकट हो गए, जिनको आप लोग शालिग्राम कहते हैं। वृंदा के श्राप के द्वारा वो शिला रूप में पंडित हुए, शालिग्राम बने, और वही वृंदा तुलसी नाम का पौधा बनी, वृंदा तुलसी बनी। और भगवान ने ये वरदान दिया कि जब तक आप मेरे सानिध्य में नहीं आओगे तब तक मैं प्रसाद भी ग्रहण नहीं करूंगा और शयन भी नहीं करूंगा। इसलिए नारायण की मूर्ति को, शालिग्राम को कभी भी तुलसी से रहित नहीं रखना चाहिए, तुलसी उनके पास रहनी चाहिए। नारायण के पास में, शालिग्राम के पास में अगर तुलसी नहीं है तो वो शयन नहीं करते हैं, फिर सोते नहीं है, भोग भी नहीं लगाते। यहां पर किसी ने कहा, महाराज भगवान नारायण ने एक सती का सतीत्व क्यों नष्ट किया, वो तो सती के सतीत्व की रक्षा करते हैं, फिर उन्होंने एक सती का सतीत्व क्यों नष्ट किया। तो ऐसा भाव प्रकट करते हैं महापुरुष कि अगर उंगली को काटने से हाथ सुरक्षित अगर हो रहा है तो समझदार डॉक्टर उस उंगली को काट देते हैं ताकि पूरा हाथ सुरक्षित रहे। एक हाथ को काटने से अगर हमारा पूरा शरीर सुरक्षित हो रहा है
तो वह डॉक्टर उस हाथ को काट देते हैं ताकि पूरा शरीर सुरक्षित रहे। एक व्यक्ति का त्याग करने से अगर पूरे परिवार में शांति है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना ही ठीक है ताकि पूरा परिवार शांति से रहे। एक परिवार का त्याग करने से अगर पूरा गांव खुशहाल है तो उस परिवार का त्याग कर देना ठीक है। एक गांव का त्याग करने से अगर पूरा जनपद खुशहाल हो रहा है तो उस गांव का त्याग कर देना ठीक है। और एक जनपद का त्याग करने से अगर पूरा देश खुशहाल हो रहा है तो उस जनपद का त्याग कर देना उचित है। इसी प्रकार से अगर एक सती का सतीत्व नष्ट करने से पूरे संसार की स्त्रियों के सतीत्व की अगर रक्षा हो रही है तो वहां उस सती के सतीत्व को नष्ट कर देना ठीक है। क्योंकि अगर वृंदा के सती के सतीत्व को नष्ट नहीं किया जाता तो यह जालंधर पूरे संसार के स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट कर देता क्योंकि राक्षस था। इसलिए भगवान ने पूरे संसार की स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। एक बार श्री नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दिया था नर रूप में। ये नारद मोह की कथा बहुत बड़ी है। तो भगवान से विवाह करने की इच्छा हुई नारद जी की और भगवान से हरि रूप मांगा और भगवान ने बंदर बना दिया क्योंकि हरि रूप मांगा था। और व्याकरण की दृष्टि से शब्दानाम अनेक अर्थः, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने हवा भी होता है, हरि माने शेर भी होता है, हरि माने हवा भी होता है, हरि माने जल भी होता है, और हरि माने जो जल में काई होती है काला काला जो झाग जैसा हो जाता है वो भी हरि होता है। ये हरि के अर्थ हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा हरि रूप दो, तो उन्होंने हरि माने बंदर बंदर बना दिया। और बंदर क्यों बना दिया, भगवान ने विचार किया जीवन भर का बंदर बनाने से अच्छा है कि एक बार बंदर बन जाए। अगर शादी करा देंगे तो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाएगा, और एक बार बंदर बनेगा तो ठीक है। तो जिंदगी भर बंदर बनाने से अच्छा है कई बार बने, नहीं जो जितने शादीशुदा लोग हैं सब बंदर ही बने। तो बाद में जब नारद जी को ज्ञात हुआ कि मुझे बंदर बनाया तो क्रोधित हुए, श्राप दे दिया कि आप भी मनुष्य बनोगे, राजकुमार बनोगे, पत्नी के विरह में व्याकुल भी होगे, और बंदर मुझे जो बनाया है तो करहे किस सहाय तुम्हारी, बंदर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये श्राप दिया। उस श्राप को उन्होंने अंगीकार किया, बाद में अपनी माया का जो विस्तार था वो नष्ट कर दिया। नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, चरणों में गिर गए, बोले कि मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा ये सब मेरी इच्छा से हुआ, आप चिंता मत करो, जाओ जपो शंकर सतनामा। अगर मुझे जो तुमने अपशब्द किया है और इन दोषों से अगर मुक्त होना चाहते हो तो भगवान शिव के सतनामों का जाप करो और भगवान शिव के नाम के प्रभाव से तुम दोष से मुक्त हो जाओगे। देखो भगवान शिव परम वैष्णव है। आप शिव महापुराण की कथा पढ़ना, शिव महापुराण में रुद्र संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान नारायण यज्ञ करा रहे थे और उस यज्ञ में भगवान शिव को बुलाया गया था तो भगवान शिव ने श्री नारायण की अग्र पूजा की थी वहां पर, और शिव ने कहा था कि आज से आप ही अग्र पूजित रहोगे। भगवान शिव ने स्वयं अग्र पूजा की और वहां भगवान शिव ने नारायण से कहा था कि हमारे भक्तों को तारने की जिम्मेदारी आपकी है और आपके भक्तों को तारने की जिम्मेदारी हमारी है। जो आपका भजन करेगा उससे मैं प्रसन्न होऊंगा और जो मेरा भजन करे उससे आप प्रसन्न रहना। तो जो भगवान शिव का भजन करते हैं उनसे नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और जो नारायण का भजन करते हैं उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है शिव द्रोही मम दास, मम द्रोही शिव दास,
सोनर करही कलप भर घोर नरक में बास। ये राम जी कह रहे हैं जो शिव से द्रोह करता है और केवल मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है, जो शिव से प्रेम करता है मुझसे द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति 100 कल्प तक नरक में वास करता है। तो श्री नारद जी महाराज गए, भगवान शिव के नामों का भजन किया। और इधर कथा मिलती है कि मनु और शत्रुपा दोनों ने जाकर के नैमी शारण नाम का तीर्थ है, ये भारत में है, इंडिया में तीर्थ वर नैमिष विख्याता, ये तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिष तीर्थ। कभी आप गए हैं? ये लखनऊ यूपी में, लखनऊ जिला में, लखनऊ से आगे सीतापुर जिला में पड़ता है नैमिष। नैमिष वर तीर्थ विख्याता, ये तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि जितनी कथा नैमी शारण्य के भूमि ने श्रवण की है इतनी कथा दुनिया की किसी भूमि ने श्रवण नहीं की है। क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, राम कथा, वाल्मीकि रामायण, सारी की सारी कथाएं नैमी शारण्य में। जनकपुर की ये जितनी पावन नेपाल की भूमि है, जनकपुर नेपाल में ही है, जितनी पावन नेपाल की भूमि है जनकपुर, उतनी ही पावन नैमी शारण्य की भूमि है। क्योंकि जनकपुर नेपाल में है, अगर नेपाल की भूमि में जानकी जी प्रकट हुई है और नैमी शारण्य की भूमि में जानकी जी समाहित हुई, विवर प्रदान किया है नैमी शारण्य की भूमि ने, जगह प्रदान की है जानकी जी को समाहित होने की, तो उसी भूमि में जानकी जी समाहित हुई है, तो श्रेष्ठ भूमि है। छोटी सी छोटी कथा भी नैमी शारण्य, सत्यनारायण की कथा भी नैमी शारण्य से प्रारंभ हुई। तो नैमी शारण्य में गए और मनु और शत्रुपा ने भजन किया, तप किया, भगवान वरदान देने के लिए आए और कहा, नाथ तुम्हारे समान पुत्र जाता चाहूं तुम ही समान सुध प्रभु सन कवन दुराव, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, मेरे समान पुत्र चाहते हो तो मैं अपने समान कहां खोजूं, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। तो महाराज, नृप तब तने हो मैं आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो मनु ने कहा, मैंने आपके समान पुत्र मांगा, आपको तो मांगा नहीं, आपने कहा मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, ये तो और सौभाग्य की बात है कि आप मेरे पुत्र बन करके आए। लेकिन मेरा वरदान तो यह है ना कि चाहूं तुम्हें समान, अपने समान भी तो हो, मेरा वरदान तो अभी पूरा हुआ नहीं, आपके समान भी तो चाहिए मेरे को। तब भगवान ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन अगर तुमने कहा है कि मेरे समान भी चाहिए तो मैं अपने समान भी लेकर के आऊंगा और भरत जी को लेकर के आई, भरत राम ही की अनुहारी। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। माइक थोड़ा बढ़ा दो, क्या कर रहे हो तुम, कोई भी साउंड। श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम
राम जन्म की कथा प्रारंभ हुई। सबसे पहले श्री अयोध्या नरेश जी का परिचय दे रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। आप देखो रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा, लेकिन आप दशरथ जी को रघुवंश शिरोमणि कह रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, हाँ मानो महाराज भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया, महाराज दिलीप ने गौ सेवा का आदर्श रखा, सेवा को प्रकट किया, महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने गंगा को प्रकट किया, किसी ने सेवा को प्रकट किया, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने सच्चिदानंद को ही प्रकट कर दिया, भगवान को ही प्रकट कर दिया, इसलिए वो रघुवंश शिरोमणि है। धरा में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ये धर्म में धुरंधर है, धुरी के समान है, गुण निधि गुण के समुद्र है, और ज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है। प्रायः करके देखा गया है जो ज्ञानी होता है वो भक्त नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति भक्त नहीं होता, ज्ञानी के पास में ज्ञान का अभिमान होता है। लेकिन महाराज दशरथ जी के जीवन में ऐसा नहीं है, ज्ञानी तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हृदय भक्ति, हृदय में भक्ति भी है इनकी, हृदय में भक्ति है। और कैसी भक्ति है, बोले मति सारंग पाणी, इनकी मति इनकी जो बुद्धि है सारंग पाणी भगवान के चरणों में रहती है। अच्छा सारंग पाणी नाम किसका है जानते हैं है? सारंग पाणी, सारंग पाणी नाम भगवान श्री राम जी का है, भगवान श्री राम जी का नाम सारंग पाणी है। और ये नाम कहां मिला राम जी को पता है, ये नाम कहां मिला इतना भी नहीं पता? अरे नेपाल वासियों ने तो नाम दिया है ये उनको, ये नाम नेपाल में ही मिला उनको, जनकपुर में। कब मिला, तो बोले जब धनुष को तोड़ दिया राम जी ने और श्री परशुराम जी आए, कई प्रकार की वार्तालाप हुई। अब बाद में जब परशुराम जी कहते हैं राम रमापति कर धन ले, ये धनुष को लो, इसकी प्रत्यंचा को खींचो, तो परशुराम जी के पास जो धनुष था उसका नाम था सारंग, परशुराम जी के पास जो धनुष था उसका नाम था सारंग, और सारंग नाम के धनुष को परशुराम जी ने भगवान श्री राम जी को दिया, और श्री राम जी ने उस धनुष को अपनी पाणी में पकड़ा, हाथ को संस्कृत में पाणी कहते हैं, पाणी संस्कृत में हाथ को पाणी कहते हैं। जैसे कन्या का विवाह होता है तो कन्या का विवाह जब वर के हाथ में दिया जाता है उसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, उसने हाथ को ग्रहण किया, हाथ को पकड़ा, हाथ को लिया, तो हाथ में हाथ को देने से पाणी ग्रहण संस्कार होता है। इसलिए पूर्व में हमारे जो सनातन पद्धति है, सनातन पद्धति के अनुसार कभी भी स्त्री या कन्या सिर्फ अपना हाथ अपने पति के हाथ में देती थी, बाकी किसी गैर पुरुष के हाथ में अपना हाथ नहीं देती थी, पति के हाथ में ही दिया जाता था, वो भी तब दिया जाता था जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है। और आजकल कल्चर ही बदल गया, जहां देखो तहां हेलो, जहां देखो वहीं हाथ मिल रहा है। तो संस्कृत में हाथ को पाणी कहते हैं, भगवान श्री राम ने धनुष को अपनी पाणी में पकड़ा, सारंग नाम का धनुष भगवान की पाणी में गया, हाथ में गया, तो भगवान का नाम पड़ गया सारंग पाणी। ये जनकपुर से मिला था नाम, नेपाल ने नाम दिया था भगवान को ये सारंग पाणी। तो मति सारंग पाणी, दशरथ जी की जो मति है सारंग पाणी भगवान श्री राम के चरणों में रहती है।
लेकिन इतना सब है इनके पास में, फिर भी अभाव है इनके जीवन में। क्या है? बोले पुत्र नहीं है। इनकी तीन रानियां हैं, अम्मा श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी। रामचरितमानस के अनुसार तीन रानियों का मिलता है प्रमाण, और आनंद रामायण के अनुसार महाराज दशरथ जी के 700 रानियां थी। आनंद रामायण में वर्णन है श्री महाराज दशरथ जी की 700 रानी थी, और गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है एक जगह, थोड़ा संकेत में बताया है, तीन रानी के अलावा और भी रानियों का संकेत दिया है। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, यहां पर संकेत दिया है। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, बालकों का जब जन्म हुआ और बालकों के रुदन की आवाज जब राजमहलों में गूंजने लग गई तो संभ्रम चली आई सब रानी, सभी रानियां आ गई। तो माता कौशल्या प्रसूतिका ग्रह में है, माता कैकेयी भी प्रसूतिका ग्रह में है, माता सुमित्रा भी प्रसूतिका ग्रह में, तीनों रानियां प्रसूतिका ग्रह में। तो संभ्रम चली आई सब रानी, वह सब कौन सी रानी है जो बालकों की रुदन की आवाज सुन करके दौड़ करके आई? बोले वही 697 रानियां जो बाकी हैं वो आई थी। पुत्र नहीं है लेकिन संतान चार थी, वो पांच, क्योंकि चार पुत्र तो थे ही और एक कन्या थी महाराज दशरथ जी की जिनका नाम था शांता। शांता नाम की बेटी का विवाह है श्रृंग ऋषि जी के साथ में किया गया। एक रिश्ते से श्रृंग ऋषि राम जी की जीजा है, बेटी का और रोटी बेटी का भी रिश्ता नेपाल से हमेशा भारत का रहा है और है भी, त्रेता युग से चला रहा ये संबंध है। क्योंकि भारत के कई महापुरुषों ने आकर के नेपाल की भूमि में तपस्या की है, तपस्या की है। पुत्र नहीं है इनके यहां भी। एक बार भूपते मन माही भय ग्लाने मोरे सुते नाही, इनको भी ग्लानी है एक बार, एक बार। अच्छा, रामचरितमानस में जहां एक बार शब्द आया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां एकदा शब्द आया है, वहां कोई ना कोई घटना जरूर घटी है, कोई ना कोई घटना जरूर घटी है। एकदा गहदासीनु यशोदानंद गेहनी, क्या माता यशोदा ने एक ही बार भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन निकाला? बोले नहीं, निकाला तो बहुत बार, तो वहां एकदा शब्द क्यों आया? बोले वहां पर घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी? भगवान को माता ने उखल से बांधा था और भगवान उखल लीला के बहाने नलकुवर मणिग्रीव जो यमलाजुन के वृक्ष बन करके नंद के आंगन में खड़े थे, भगवान ने उनका उद्धार किया था, इसलिए वहां एकदा शब्द है। एक बार जहां शब्द आया है मानस में वहां घटना घटी है। क्या सूपनखा एक बार, एक ही बार पंचवटी गई है घूमने के लिए? बोले गई तो बार बार है, गई तो बार बार गई होगी, लेकिन वहां पर उसकी नाक काटी गई थी इसलिए एक बार। क्या माता कौशल्या ने एक बार जननी अरहवाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाई? क्या राम जी का श्रृंगार माता कौशल्या ने एक ही बार किया? बोले नहीं, बहुत बार किया होगा। तो एक बार क्यों? बोले वहां पर माता कौशल्या को भगवान श्री राम ने अपना विराट रूप दिखाया था। यहां वहां दो बालक देखे मति भ्रम मोर की आन विषय के, अखंड रूप दिखाया रोम रोम प्रतिला गई कोट कोट ब्रह्मांड, इसलिए वहां एक बार शब्द आया है। महाराज दशरथ जी को आपको एक ही बार कहलाने क्यों हुई? मेरे बेटा नहीं है, एक ही बार क्यों? तो बताया एक बार माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, आप जैसा सामर्थ्यवान गुरु जिसके पास में हो,
और उसको पुत्र नहीं है, क्यों नहीं है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मैं दशरथ जी को पुत्र दूं तो, लेकिन दशरथ जी को पुत्र मैं तब दूं जब दशरथ जी के हृदय में पुत्र की लालसा उत्पन्न हो। जब तक उनके हृदय में पुत्र की लालसा नहीं उत्पन्न होगी तब तक मैं उनको लाल कैसे दे सकता हूं? इच्छा भी तो होनी चाहिए, उनके अंदर अभी पुत्र की लालसा ही नहीं है। तो माता अरुंधति ने कहा, लालसा तो हम उत्पन्न कर देंगे। तो बोले, अगर लालसा आप उत्पन्न कर देंगे तो लाल हम दे देंगे। तो माता अरुंधति अपने छोटे से बालक को लेकर गई राजमहलों में और नाखून से काट लिया, उसको काट लिया तो रोने लग गया। जब रोने लग गया तो दशरथ जी ने कहा, ये रो क्यों रहा है? तो माता अरुंधति ने कहा, बोले रो नहीं रहा, ये हमसे शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत कर रहा है? ये हमसे पूछ रहा है, आप तो दशरथ जी के गुरु बने लेकिन दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं है, तो मैं आगे चल के किसका गुरु बनूंगा, किसका गुरु बनूंगा? तब दशरथ जी ने विचार किया, ओहो मेरे पुत्र ना होने के कारण गुरु पुत्र को दुख है, तो मुझे पुत्र होना चाहिए। इसलिए उनको फिर गलानी हो गई, अथवा एक बार इसलिए उनको गलानी हुई, महाराज स्वर्ग में जाते थे दशरथ जी तो देवराज इंद्र उनको आधा सिंहासन देते थे बैठने के लिए। तो दशरथ जी जब स्वर्ग में गए तो सभी लोग देख रहे थे, लेकिन एक देवता दशरथ जी की तरफ नहीं देख रहा था। तो दशरथ जी ने कहा, ये क्यों नहीं देख रहा मेरी तरफ? देवराज इंद्र ने कहा, ये ना देखे तो ही ठीक है। बोले क्यों? बोले इसका नाम है शनि, और शनि की दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका नुकसान ही होता है। तो दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं ये देखना चाहिए इसको। और जैसे शनि की वक्र दृष्टि दशरथ जी पर पड़ी तो शनि की दृष्टि पड़ने से महाराज दशरथ स्वर्ग से गिर गए, और जैसे नीचे गिरे तो नीचे बैठे हुए गीधराज ने देखा। गीधराज को याद था कि इन्हीं के यहां भगवान आएंगे, ब्रह्मा जी ने बताया था। तो गीधराज ने अपने पंख फैला दिए और पंख में महाराज दशरथ जी को लेकर के नीचे पृथ्वी में उतार लिया। दशरथ जी को होश आया, गीधराज जी से कहा, मित्र तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, वरदान मांग लो, वरदान मांगो। तो गीधराज ने कहा, राजन मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं चाहता हूं कि आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र, मैं आपसे एक पुत्र का दान चाहता हूं, बड़े पुत्र का, और आपका जो ज्येष्ठ पुत्र हो, बड़ा पुत्र हो, मेरी अंत्येष्टि करें, मेरे चिता को अग्नि आपका बड़ा पुत्र लगाए। तो दशरथ जी ने कहा, एक पुत्र को नहीं, मैं दो पुत्र आपको दान करता हूं, दो पुत्र आपको दान करता हूं, संकल्प करके चले आए थे। तो इधर जब चौथा पन आया दशरथ जी का, तो विचार कर रहे, चौथा पन आया है, मैंने मित्र को दो पुत्र का देने का वचन दिया है, एक ही पुत्र नहीं अभी तो, और अगर पुत्र नहीं होगा तो वचन मेरा फीका पड़ जाएगा। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरा वचन खाली चला जाएगा, पुत्र होना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने राम का दान कर दिया था गीधराज जी को पहले ही, इसलिए गीधराज जी की अंत्येष्टि क्रिया की है राम जी ने, दशरथ जी की नहीं की है। दशरथ जी की अंत्येष्टि भरत जी ने की है, गीधराज जी की चिता को अग्नि राम जी ने दिया, तो मुझे पुत्र होना चाहिए। अच्छा, यहां किसी ने भगवान से पूछ लिया, नारायण से, राम जी से पूछा, राम जी से कहा, प्रभु आपने मनु और शत्रुपा के रूप में दशरथ जी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, चौथापन आ गया, बेटा बनकर क्यों नहीं जा रहे? तो राम जी ने कहा, हम जाना तो चाहते लेकिन दशरथ जी हमको बुलाना कहां चाहते, क्यों नहीं बुलाना चाहते, जाओ ना आप। बोले मैं चला तो जाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगे? बोले जब तक दशरथ जी अपने गुरु के दर पे नहीं जाएंगे तब तक हम दशरथ जी के घर पे नहीं जाएंगे। बिना गुरु के दर पे गए, अगर हम दशरथ जी के घर पे चले जाएंगे तो गुरु परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर तो लोग कह देंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना गुरु के भगवान मिल जाते हैं, और मैं बिना गुरु के मिलता नहीं, इसलिए पहले ये गुरु के पास जाएं तब मैं इनके यहां जाऊंगा।
तब मैं इनके यहां जाऊंगा। बिना गुरु के बात नहीं बनती है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं है। सतगुरु बिना बात बनती नहीं है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे पाल बनती नहीं है। पढ़े ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़े ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़े ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़े तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना देश में देश परदेश में इसको कम क्यों कर देता है। पंथ में भेष में देश परदेश में पंथ में भेष में देश परदेश में चित्त रहता फसा चित्त रहता फसा रागी और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या क्या दीपक जलाना बड़ी बात है क्या। दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या क्या दीपक जलाना बड़ी बात है क्या। दीपक जलाना बड़ी बात है क्या। दीपक जलाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे किंतु सतगुरु की बिना बात बनती नहीं है। बिना सतगुरु के बात नहीं बनती है भैया। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। विद्या के अभिमान में अपने मत को अपनी बुद्धि को प्रदर्शित करना कोई बड़ी बात नहीं है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है।
श्री दशरथ जी के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, तो गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। देखिए कहाँ जाना चाहिए, हम लोगों के यहाँ भी दुख होता है, कष्ट होता है, तो हम लोगों के दरवाजा खटखटाते हैं, अपने दुख का रोना रोते हैं पड़ोसी से। पड़ोसी कभी तुम्हारा दुख नहीं कम करेगा, और नमक मिर्च मिला करके उसका और स्वाद बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। तो इसलिए दुख में दुखी होकर के पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाने से अच्छा है गुरु का दरवाजा खटखटाओ। पड़ोसी के यहां जाओगे आपको रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन गुरु के संत की शरण में जाओगे तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। गुरु ग्रह गए तुरंत नहीं पाला, गुरु जी के घर में गए, चरण लाग कर बिने विशाला, चरणों में गिर पड़े और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना दुख भी सुनाया और अपना सुख भी सुनाया। और हम लोग भी संत के यहां जाते हैं, हम लोग भी गुरु के यहां जाते हैं, सुख का तो नाम ही नहीं आता, केवल रोते ही रोते हैं, दुख ही दुख सुनाते हैं, महाराज ये घाटा वो घाटा ऐसा हुआ वैसा, इससे दुखी उससे दुखी, पड़ोसी से दुखी, पत्नी से दुखी, बेटा से दुखी, सब दुखी रोता ही रहेगा। लेकिन दशरथ जी बता रहे हैं गुरु के यहां जाओ तो केवल दुख ही दुख मत रो, सुख भी सुनाओ। महाराज दशरथ ने निज सुख दुख, सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया, दोनों ही सुनाए। सुख क्या है, बोले आपकी कृपा है, अनुकूल रानियां हैं, अनुकूल प्रजा है, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं। और दुख क्या है, बोले कोई पुत्र नहीं है। राजमहल क्या किसी शिशु के बिना ऐसे सोने पड़े रहेंगे महाराज, क्या अयोध्या के राजमहलों में किसी छोटे से शिशु की किलकारियां नहीं गूंजेंगी। ये अयोध्या के जो दीवारें हैं ये तरस रही हैं किसी बालक के लिए कि कोई बालक इन दीवारों को पकड़ करके चले। ये भूमि तरस रही है किसी बालक के लिए कि कोई बालक घुटनों घुटनों चले। क्या महाराज ये सुना रहेगा, तो दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं धरा हो धीर। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा धरो धीर धैर्य रखो। दशरथ जी ने कहा कितना धैर्य रखे महाराज, धैर्य रखे रखे तो चौथापन आ गया, ये धैर्य रखे रखे चौथापन आ गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, चौथे पन तक धैर्य रखा है तो हुई है शुद्ध चारी, चार ही होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन में विदित पुत्र आपको प्राप्त होंगे जिनका यश तीनों लोकों में फैला होगा। इसको और बढ़ा दे थोड़ा सा, लेकिन कैसे होंगे, बोले उसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा महाराज जी, बोले पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ। अच्छा एक बार और एक बात बताएं, सूर्यवंश में और चंद्रवंश में एक विशेषता रही है, सूर्यवंश में बिना यज्ञ के कहीं पुत्र नहीं हुआ, देखना सूर्यवंश में बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुआ, और चंद्रवंश में बोले चंद्रवंश में बिना लड़ाई के किसी की शादी नहीं हुई, चंद्रवंश में बिना झगड़े की शादी नहीं हुई। उठा करके देखना जहां भी शादी का प्रकरण बैठता वहां झगड़ा जरूर हुआ चंद्रवंश में। भगवान श्री कृष्ण के विवाह 16108 बिना झगड़े के नहीं हुए। तो चंद्रवंश में बिना झगड़े के विवाह नहीं हुए और सूर्यवंश में बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुए, पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी, तैयारियां शुरू यज्ञ की, तो तैयारियां तो शुरू, लेकिन बोले यज्ञ कराने वाला भी तो होना चाहिए। बोले यज्ञ कराने वाला कौन है, बोले आपके यहां पुत्रेष्टि यज्ञ वही करा सकता है जिसने अवधपुरी का अन्न और जल ग्रहण न किया हो, जिसने अयोध्या का अन्न और जल ना खाया हो वही आपके यहां यज्ञ संपन्न करा सकता है।
तो बोले महाराज दुनिया में ऐसा कोई साधु संत है नहीं जो अयोध्या का अन्न ना खाया हो, जल ना ग्रहण किया। बोले नहीं, एक साधु है। कहां? बोले नेपाल में, जिनका नाम है विभाण्डक ऋषि के पुत्र महर्षि श्री श्रृंग। श्रृंग महात्मा ने अयोध्या का अन्न और जल नहीं ग्रहण किया। अगर वो महात्मा आएंगे तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महाराज श्री दशरथ और वशिष्ठ स्वयं ब्रह्म ऋषि होकर के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, एक ब्रह्म ऋषि बुला रहे हैं, स्वयं ब्रह्म ऋषि चल करके, दशरथ जी चल करके आए और यहां से सहसम्मान आपके इसी स्थान से श्रृंगी ऋषि को लेकर गए थे। और श्रृंगी ऋषि ने जाकर के वहां पर यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामे शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामे शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरू करनी, प्रगटे अग्नि चरू करनी। कल से सवेरे सुबह सुबह अपना माइक सेट करके बैठना, जब कथा का समय होता है तब तुम यज्ञ माइक चलाते हो, यहां सारे माइक सेट करके रख देना। कमाल है, इतना सीटी मारता है इतना सीटी तो कोई हॉल में नहीं मारता होगा, पिक्चर हॉल में जितनी सीटी इसकी माइक में लगती है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को श्री वशिष्ठ जी ने बुलवाया। श्री श्रृंगी ऋषि सहसम्मान यहां से इस स्थान से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में जाकर के श्री वशिष्ठ जी को बिठाया, श्री दशरथ जी को बिठाया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। अच्छा, हमारा एक मत और है आप लोगों के समक्ष, उसको प्रेषित करना है मेरे को। अगर आप सभी यहाँ के ऋषुंगा वासी और समिति सभी लोगों का अगर मत ऐसा बने, सभी लोग अगर मेरे विचार से सहमत हो, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि के कृपा के द्वारा श्री राम जी आए तो इस भूमि पर श्री श्रृंगी ऋषि का और श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। और पूरा राम दरबार यहां पर स्थापित हो, ये जगह जितनी पड़ी हुई इसमें एक मंदिर का निर्माण हो और एक सत्संग हॉल जैसा पूरा हो, राम दरबार हो, उसमें शिव परिवार भी हो और महाराज श्री श्रृंग की मूर्ति स्थापित हो, एक हवन कुंड की स्थापना हो, तीनों रानियों के साथ दशरथ जी वशिष्ठ जी पूरा परिवार का मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और ये तब संभव होगा जब आप सभी लोग इसमें तन से मन से धन से तीनों प्रकार से लगेंगे। और देखिए, इसको अगर पर्यटक स्थल आप बनाना चाहते हो तो पर्यटक स्थल का पहले रूप देना पड़ेगा आप लोगों को, तब लोग यहाँ पर आकर्षित होकर के दूर से आएंगे। अभी यहाँ सिर्फ यज्ञशाला है प्राचीन, यहाँ अगर मंदिर बन जाएगा
और मंदिर बन जाएगा, चारों तरफ का ये जो वातावरण है बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर लोग मंदिर देखने के लिए ज्यादा आएंगे और ये लोगों के आकर्षण का ज्यादा केंद्र बनेगा। तो यहाँ पर एक मंदिर जरूर होना चाहिए, राम दरबार, श्री श्रृंग ऋषि जी का, विभांडक ऋषि जी का, इन सभी की मूर्तियों की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा, जब तक यहाँ मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा ना, आता ही रहूंगा यहाँ। हाँ, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। श्रृंगेर सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिकाम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति देने। महात्मा ने भक्ति के साथ आहुति दिया। देखो आहुति कैसी करनी चाहिए, बोले भगत सहित, भक्ति के साथ प्रेम से आहुति करनी चाहिए। हम लोग यज्ञ जब कराते हैं और जब आहुति देते हैं स्वाहा बोल करके, तो हम लोग देवताओं को भोजन कराते हैं और भोजन प्रेम से कराना चाहिए। भोजन जब प्रेम से कराता है तब व्यक्ति भोजन करता है, बिना श्रद्धा बिना प्रेम के भोजन नहीं कराना चाहिए। तो श्रृंग की तरह अपनी मुद्रा हाथ की बना करके और इस तरह से आहुति डालनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे फेंकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इस तरह से मुद्रा होनी चाहिए और इस तरह से फेंकना चाहिए, श्रृंग मुद्रा से हवन करना चाहिए। अब किसी को अगर आप भोजन के लिए बुलाओ और थाली लेकर आप बैठ जाओ और उसके कहो तो महाराज वहां बैठो पांच फुट दूर बैठाओ, अब बोले मुंह खोलो मैं फेंक करके मारूंगा, अब फेंक करके लड्डू मारेगा खाएगा कि भाग जाएगा, वो तो भाग जाएगा नहीं खाएगा। तो इसी प्रकार से हम देवताओं को फेंक करके आहुति ना डालें, आराम से प्रेम से आहुति डालें, तब वो तुम्हारी आहुति स्वीकार करेंगे। तो भगत सहित प्रेम से आहुति दिया। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, अग्नि भगवान प्रकट हुए, खीर चरु खीर लेकर के प्रकट हुए और कहा ये खीर बांट दो अपनी पत्नियों में, रानियों में बेटा हो जाएगा। अच्छा, खीर से भगवान पैदा हुए। आजकल भी भला कोई खीर खा के पैदा कर ले, तो बोले आज भी खीर से पैदा हो जाएंगे। जो खीर श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ जी को दी, अगर वो खीर आज भी मिल जाए तो आज भी हो जाएंगे। तो खीर कौन सी खीर दी श्रृंग महात्मा ने महाराज दशरथ जी को, बोले वह खीर दिया, खीर में तीन चीजें होती हैं, वैसे तो कुछ भी डालो बात अलग है, महत्व तो तीन का होता है, चीनी का, चीनी चीनी जानते हैं, चीनी, दूध और चावल, ये तीन चीजें होती हैं मुख्यतः खीर के लिए, दूध चीनी चावल, इन तीन के बिना खीर नहीं बनती है, तीन की जरूरत है। और अग्नि की भी जरूरत है, बिना आग के भी नहीं बनेगी, अग्नि भी चाहिए। तो तीन चीजें चाहिए, दूध क्या है, कौन सा दूध चाहिए, कौन सी चीनी चाहिए और कौन सा चावल चाहिए। ये तो बताया, दूध ज्ञान का प्रतीक है, नीर और क्षीर का जो ज्ञान होता है हंस के पास होता है, तो दूध जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, चावल कर्म का प्रतीक है, क्योंकि चावल खेत में बोया जाता है वो कर्म है, चावल कर्म का प्रतीक है, और चीनी भक्ति का प्रतीक है, भक्ति मीठी होती है, बिना मिठास के कर्म और ज्ञान दोनों बेकार है। जब तक भक्ति नहीं तब तक ज्ञान में मिठास नहीं आएगी, कर्म में मिठास नहीं आएगी। तो भक्ति रूपी चीनी, कर्म रूपी चावल और ज्ञान रूपी दूध, ये तीनों चाहिए। और अग्नि भी चाहिए, अग्नि क्या है, बोले भक्ति की तीव्रता ही अग्नि है। आप चावल चीनी और दूध तीनों पात्र में डाल करके चूल्हे में रख दो और उसके नीचे मोमबत्ती जला दो, खीर नहीं बनेगी, क्योंकि अग्नि तो है लेकिन मोमबत्ती वाली है, जब तक उसके अंदर लकड़ी नहीं लगाओगे, अग्नि में तीव्रता नहीं आएगी, अग्नि तेज नहीं होगी, तब तक खीर नहीं बनेगी। तो चावल भी हो, भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, कर्म भी हो,
लेकिन इन तीनों में तीव्रता भी होनी चाहिए, तीव्रता भी होनी चाहिए। धारा, नदी की धारा जितनी तेज होती है वह इतनी ही जल्दी समुद्र तक की यात्रा पूरी कर लेती है, और नदी की धारा अगर तेज नहीं है तो उसको समुद्र तक जाने में विलंब होगा, देर लगेगी। तो हमारी भक्ति की धारा जितनी तेज होगी उतनी ही जल्दी हम भगवान रूपी समुद्र तक पहुंचेंगे, और हमारी भक्ति की धारा में अगर तीव्रता नहीं है तो पहुंचने में देर होगी। तो ये तीनों चाहिए, जिसके हृदय में ज्ञान रूपी दूध, सत्कर्म रूपी कर्म और भक्ति रूपी चीनी, ये तीनों जिसके हृदय में स्थापित हो जाएं, उसी के हृदय में खीर बन के तैयार हो जाती है और उसी के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो श्रृंग महात्मा ने ज्ञान रूपी दूध दिया, कर्म रूपी चावल और भक्ति रूपी चीनी की खीर बना करके दी थी और उससे भगवान प्रकट हुए। तो तीनों रानियों को दिया, अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग कौशल्य को दिया, उभय भाग आधे कर कीना, जो बचा उसके दो बचे। अब जितने गए तो गए, आप लोग मत जाना, ठीक है, अब जन्म हो जाए तभी जाना, और अगर ना जाना हो तो यहां व्यवस्था की कमी नहीं, यही पखाना और यही सोना। तो उसके दो हिस्से बने। महाराज दशरथ ने विचार किया, नंबर तो सुमित्रा का है क्योंकि कैकेयी से सुमित्रा बड़ी थी, सुमित्रा को दे देंगे तो कैकेयी नाराज हो जाएगी, और अगर कैकेयी को दे देंगे तो सुमित्रा का अपमान हो जाएगा, बड़ी है, और अगर दोनों हाथ से एक साथ प्रसाद देंगे तो बाएं हाथ से प्रसाद देना नहीं चाहिए और बाएं हाथ से प्रसाद लेना भी नहीं चाहिए, बाएं हाथ से उल्टे हाथ से ना प्रसाद देना चाहिए ना ही लेना चाहिए। एक जगह कहीं राम जन्म की कथा हुई, बढ़िया रबड़ी का प्रसाद था, एक आदमी आया प्रसाद लेने के लिए, भीड़ तो थी, उसने सीधा हाथ कर दिया, प्रसाद मिल गया, मन नहीं माना, बोले दोबारा फिर ले ले, तो उस हाथ को पीछे कर लिया और ये हाथ आगे कर दिया शायद मिल जाए। तो जितने देर में भीड़ में उसका नंबर आया प्रसाद लेने का, तो उतनी देर में उसमें पात्र में प्रसाद खत्म हो गया, और पीछे जो हाथ छुपा करके रखा था पीछे से कुत्ता आया, वो चाट करके चला गया, दोनों तरफ से मारा गया। तो ना बाएं से लो ना बाएं से दो, तो कैकेयी को दे दिया, और जो फिर बाद में जो बचा तो कैकेयी कौशल्या हाथ धर दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर, कैकेयी और कौशल्या के हाथ में रख करके सुमित्रा को दिलाया, सुमित्रा का मन प्रसन्न हो गया। क्योंकि महाराज दशरथ ने जिन रानियों का सम्मान किया, उन रानियों ने कैकेयी और सुमित्रा का सम्मान किया, तो सुमित्रा का स्थान उनसे श्रेष्ठ हो गया। अब भैया यही विध गर्भ सहित सब नारी गर्भवती हो गई, जाते ते हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आ गए। अच्छा एक बात और, भगवान गर्भ में आते नहीं है, एक तरफ कहते हैं भगवान कभी गर्भ में आते नहीं, और इधर लिखा है जा दिनते हर गर्भ ही आए, और गोस्वामी जी ने लिखा भी भय प्रकट कृपाला भगवान राम प्रकट हुए हैं, और भगवान अगर प्रकट हुए हैं तो जो गर्भ में था वो कहां गया। भगवान श्री राम अगर प्रकट हुए हैं तो 9 महीने जो गर्भ के अंदर था वो कहां गया, वो कहां गया। तो बताया भगवान गर्भ में नहीं जाते, जातिन ते हरि, अभी मैं हरि का अर्थ बता रहा था, तो हरि के कई अर्थ होते हैं, हरि माने हवा भी होता है, हरि माने हवा भी होता है। तो भगवान गर्भ में नहीं गए तो बोले भगवान ने गर्भ में हवा को प्रवेश किया हुआ था, तो वो हवा के माध्यम से गर्भ का आभास कराया भगवान ने, भगवान गर्भ में नहीं गए। जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो भगवान ने उस हवा को गायब कर दिया और स्वयं प्रकट हो गए। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चरे अरो अचरे हर्ष जुदे राम जन्म सुख मूल। भगवान श्री राम के जन्म का जब समय आया तो भगवान श्री राम आना चाहते हैं, तो भगवान के पास में सभी तिथियां पहुंची,
सब तिथियां पहुंची। सबसे पहले प्रतिपदा गई भगवान के पास। प्रतिपदा ने कहा मैं सबसे बड़ी हूं प्रभु, मेरी तिथि में आप चलो। भगवान ने कहा आगे बढ़ो। द्वितीय आई, मैं यम द्वितीय हूं महाराज, मेरे में चलो, मैं सबसे बड़ी हूं। बोले आगे बढ़ो। तृतीय आई, मैं अक्षय तृतीय हूं, मुझमें कोई भी कार्य किया जाता है अक्षय हो जाता है, आप मेरे में चलो। भगवान ने कहा आगे बढ़ो। चतुर्थी आई, मैं गणेश चतुर्थी, आप मेरे में चलो महाराज, मैं सबसे बड़ी। भगवान ने कहा आप भी आगे बढ़ो। पंचमी आई, मैं सबसे बड़ी हूं, साल में दो दो बार मेरी पूजा होती, बसंत पंचमी और नाग पंचमी। भगवान ने कहा आप भी आगे बढ़ो। षष्ठी आई, मैं हलधर षष्ठी हूं महाराज, मेरे में चलो। सप्तमी अष्टमी ये सब आई भगवान से कहने के लिए मैं सबसे बड़ी, मैं सबसे बड़ी, आप आगे चलो। इतने में भगवान ने देखा एक देवी अपने सिर को झुका करके बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही। भगवान ने कहा देवी तुम भी अपनी विशेषता बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तो उसने कहा प्रभु अगर मैं बोलूंगी तो मुझे डर है कहीं मैं आपके दरबार से भी निकाल ना दी जाऊं। क्यों, ऐसा क्या है, तुम में कोई विशेषता तो होनी चाहिए। तो वह कहती महाराज मैं नौमी हूं, मुझ में कोई विशेषता नहीं है, मैं खाली हूं, मैं रिक्ता हूं। ज्योतिष के अनुसार नौमी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो वो कहती है कि मैं रिक्ता हूं, मुझ में कोई विशेषता नहीं है। भगवान ने कहा जो मेरे दरबार में आकर के खाली हो जाता है उसी को तुम्हें भर देता हूं, जो पहले से भरा है उसे क्या भरना, जो खाली है उसी को मैं भरता हूं। जिसमें काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मद नहीं, मांसर नहीं, ईसा नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, इन सभी प्रकार के दुर्गुणों से जो रिक्त है उसको मैं सद्गुणों से और भक्ति से फिर भर देता हूं। भगवान नौमी तिथि का चयन किया, नौमी तिथि में आई। अच्छा नौमी तिथि में ही क्यों आई? क्योंकि नौ का जो अंक है पूर्ण अंक होता है, भगवान भी पूर्ण है और नौ भी पूर्ण है, नौ के आगे फिर कोई अंक नहीं है, नौ के आगे फिर एक और जीरो लग जाता है दस, लेकिन नौ का पूर्ण अंक है, नौ के आगे कोई अंक नहीं है। तो भगवान भी पूर्ण है और नौ का अंक भी पूर्ण है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण अंक में ही आएगा, अपूर्ण अंक में कैसे आएगा? नौ का पहाड़ा, पहाड़ा जानते हैं, पहाड़ा ही बोलते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं है? दूना, ये दूना जो आप लोग पढ़ते हैं, तो नौ का दूना आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखना घटेगा नहीं कहीं, नौ और फिर उसका डबल करोगे तो अठारह, एक और आठ नौ, एक और आठ नौ सत्ताईस, दो और सात नौ छत्तीस, तीन और छह नौ पैतालीस, चार और पांच नौ चौवन, पांच और चार नौ तिरसठ, छह और तीन नौ बहत्तर, सात और दो नौ इक्यासी, आठ और एक नौ और नब्बे, जीरो हटा दो फिर नौ, कहीं नहीं घटा। आठ का पढ़ो, आठ का दूना करो, सोलह, एक और छह घट गया सात, चौबीस, दो और चार छह घट गया छह हो गया। तो जो घटते बढ़ते हैं ये माया के अंक होते हैं और जो नहीं घटता है वो ब्रह्म का अंक होता है। नौ का अंक जो है वो ब्रह्म का अंक है, वो कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। आप देखना माला में 108 दाने होते हैं, माला में 108 ही क्यों होते हैं? एक होता है, बीच में जीरो होता है, फिर आठ होता है। ये एक क्या है, जीरो क्या है और आठ क्या है? और जो एक सबसे ऊपर होता है सुमेरु, जिसको गुरु कहते हैं, वो गिनती में नहीं आता, 108 की गिनती होती है, वो गिनती में नहीं लिया जाता। तो बताया एक जो है वो ब्रह्म है, बीच में जो जीरो है वो माया है, और लास्ट में जो आठ है वो प्रकृति है। आठ प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि रापः निलो वायु खम्मन बुद्धि रे विचार अहंकारम इति अम्मम भिन्नः प्रकृति अष्टधा, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकार की प्रकृति होती है। जो आठ प्रकार की प्रकृति के वश में रहता है वो जीवात्मा,
और जो आठ प्रकार की प्रकृति को अपने वश में रखता है वो परमात्मा। तो यह जीव जो है आठ का प्रतीक है, एक ब्रह्म है, बीच में माया है जीरो। ये माया जो जीरो है आठ को एक से मिलने नहीं देती, अलग रहती है। कब मिलने देगी? बोले 108 की माला जपोगे, और जब 108 की माला जपोगे तो भजन के प्रभाव से वो जीरो माया हट जाएगा और वह आठ रूपी जीव है एक ब्रह्म से मिल जाएगा। और जब आठ एक से मिल जाता है तो नौ हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। जीव तब तक अपूर्ण है जब तक ब्रह्म से नहीं मिला, और जब ब्रह्म से मिल जाता है तो जीव पूर्ण हो जाता है, ये पूर्ण हो जाता है। आप 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के, हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं, हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं। 27 का चार में गुणा करो कितना हो गया? 108। 27 का चार में गुणा करो 108। 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। 12 का 9 में गुणा करो कितना हुआ? 108। प्रार्थना करें भगवान की, जिनको याद है वो बोलेंगे, और उसके बाद एक दो कथाइयां होगी, आरती होगी। भय प्रगट कृपाला दीने दयाला कौशल्या हिते कारे हर्षित महातारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे लोचन प्रगट श्री गंगा है प्रगट कृपाला दीने दयाला रे होने वाले हारे अद्भुत रूप विचारे ब्रह्मांड निकाया मेरे मित्र माया रोम रोम कटते दिखाए मगर सोबासी यह उपहास सुनत देर मत फिर न रहे भय प्रगट कृपाला राजा राम 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 राजा राम।
राजा राम 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 रामचंद्र भगवान को श्री राम जी का जन्म हुआ। कौशल्या माता ने भगवान की प्रार्थना की, प्रार्थना करके मुंह फेर कर खड़ी हो गई। भगवान ने कहा प्रसन्न नहीं हो मां? बोले आप वचन चूक गए प्रभु, आपने वचन दिया था पुत्र बन के आऊंगा, आप पिता बन कर के आए। 27 हाथ का बेटा थोड़ी होता है, बेटा छोटा होता है। तो भगवान छोटे हो गए अब ठीक है? बोले नहीं 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 अभी ठीक नहीं, ये 4 हाथ ठीक नहीं लग रहे, 2 हाथ भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए अब ठीक। बोले अभी भी ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले बेटा आता तो कोई कपड़ा पहन के थोड़ी आता, वो तो निर्वस्त्र आता है नंगम नंगा, ये कपड़ा पहन रखे इनको हटाओ। बोले अरे कपड़े भी हटाने पड़ेंगे। बोले बिल्कुल, भक्ति की शरण में आता अच्छे अच्छे के कपड़े उतर जाते। तो वस्त्र हटा दिए, ये माया के वस्त्र ब्रह्म और जीव के बीच में विघ्न पैदा करते हैं, उनको हटा दिया। अब क्या करें? बोले अब रो। कौशल्या ने कहा कि अब रो। भगवान ने कहा हमारे ऊपर कौन सी आपत्ति आई तो हम रोए? बोले नहीं नहीं महाराज, संसार एक ऐसा है जो अपने दुख से रोता है, आप ही एक लौते ऐसे हैं जो संसार के दुख को देख करके रो देते हो। आपके भक्तों ने आपको रो करके पुकारा है और बुलाया है, अब आप रो करके अपने भक्तों को बुला लो। तो सुने वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने रोए और ऐसा रोए कि फिर जीवन भर रोते ही रहे। जन्म हुआ तब रोई, वनवास हुआ परिवार से बिछोड़ हुआ तब रुदन हुआ, उसके बाद में पिताजी के मरण का समाचार सुना तब रोई, जानकी जी का हरण हुआ तब रोई, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब रोई, और वनवास में कई बार वन में अपने भरत की याद करके कई बार रोए। यहां तक कि राम जी यमुना जी का श्याम वर्ण का जल देख करके उस यमुना में भरत को ढूंढने लगे थे। जब राम जी स्नान करने आए तो यमुना का श्यामला वर्ण का जल देख करके भरत 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 करते हुए यमुना में आधी यमुना में चले गए थे, इतना रोए राम जी। तो भगवान रोए और भगवान ने अवतार लिया दशरथ जी को जैसे पता चला तो बड़ा उत्सव हुआ। तो अब कथा का विस्तार नहीं करूंगा। ये जो टॉफी आप लोग लाए हैं चॉकलेट, आज केवल एक या दो पत्तल का चॉकलेट बटेगा, बाकी कल दिन में बटेगा जब सब पब्लिक आ जाएगी तब। कल भी बधाइयां होंगी, कल दिन में बधाई से ही कथा शुरू होगी क्योंकि पूरी सब पब्लिक आ जाएगी तब सभी को मिलेगा। तो आज ये सब एक साथ मिला करके रख लो, केवल दो बटेंगे, केवल दो दो यहां ला दो। और बाकी सब एक जगह मिला करके रख दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि लाने वाले बेचारे रह गए, वो तो पहले चले गए, बोलेंगे अच्छा हमसे पीछे बांट दिया सारा प्रसाद। तो अब बधाई होगी, बधाई में जिनको नृत्य करना आता है वो नृत्य कर लेगा खड़े होकर के, और जिनको नृत्य करना, वैसे नेपाल के लोग तो नृत्य करने में बहुत आगे, तो जिनको नृत्य करना नहीं आता है
वो बैठे बैठे ही मटकते रहना, वो ठीक है, वो खड़े होने का कष्ट नहीं करना। और जिन्हें नृत्य करना आता है वो आराम से खड़े होकर के बढ़िया बधाई में नृत्य करेंगे सभी लोग। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया आगे आ जाओ आप लोग बाजे बधैया। अब जितने लोग पीछे हैं अब आगे आ जाओ, गिने चुने तो लोग बचे हैं, आप लोग अब आगे आ जाइए, आप लोग सब आगे आइए, सब लोग जूता जूता उतार के आना, जूता उतार के हाँ आगे आ जाइए आप लोग। अब आप ही लोगों को ये मिलेगा सब आराम से। बाजे बधैया हाँ बाजे सहनैया, 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 बाजे बधैया हाँ बाजे सहनैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे भैया अवध में बाजे बधैया।
हिल मिल कर सब सखियां आए, हिल मिल कर सब सखियां आए, कर सिंगार सब सखियां आए, कर सिंगार सब सखियां आए, कौशल्या को देने बधाई, कौशल्या को देने बधाई, सखियां कौशल्या जी को चिया मद में बाजे बधाइया, मद में बाजे पुरवासी सब मंगल गावे, पुरवासी सब मंगल गावे, पुरवासी सब मंगल गावे, पुरवासी सब मंगल गावे, मंगल गावे नाचे गावे, मंगल गावे नाचे गावे, अरे मंगल गावे नाचे गावे, मंगल गावे मंगल गावे, पुरवासी सब मंगल गावे, नाचते अरे नाचते नाचते ताता भैया, मद में बाजे बधैया, नाचते ताता भैया, मद में बाजे बधैया, नाचते ताता भैया, मद में बाजे बधैया, नाचते ताता भैया, मद में नाचे बधैया, बजे बधैया अवध में नरुआ बने, रघुनंदन बने हैं
बने दूध की खीर बनाओ। श्री राम महायज्ञ श्री राम कथा महा महोत्सव एवं विराट संत भक्त विराट सत्य संत भक्त मेला को उपलक्ष्य पालिका वार्ड नंबर 8 निवासी रुद्रबहादुर भुजेल बाट रु 10,000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई यो प्रमाण पत्र लिनको निमित्त म यहाँ निम्ति आउँछु। रुद्रबहादुर भुजेल त्यसै पतिको स्मृतिमा रु 25,000 उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसको लागि पनि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजा रामचंद्र भगवान को सभी लोग आरती करेंगे। आरती प्रज्वलित कर ले। हरे की गाँव हे राजा राम तेरे हरे की गाँव हे राजा राम तेरे हरे की गाँव हरे की गाँव प्रभु आपे को मनाऊं हरे की गाँव प्रभु आपे को Yeah.
हे राजा राम तेरे हरे की गाऊं, हे राजा राम तेरे हरे की गाऊं, तेरे हरे की गाऊं, तेरे हरे की गाऊं, तेरे हरे की गाऊं। श्री वृंदावन धाम की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान गढ़ी की, श्री कनक भवन की, श्री मद वाल्मीकि रामायण की, श्री रसंगा धाम की, श्री श्रृंगी ऋषि महाराज की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री अपने अपने माता पिता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान की।